शॉर्टकट 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 का दूसरा नाम मैं बताऊँ ईमान की कमजोरी बिल्कुल ऐसी. और डिजास्टर रही है अभी एक नई दौड़ मार्केट में चल रही है कि बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं अपना नाम यूज़ कर रहे हैं बच्चों को इनरोल कर रहे हैं ही इज और शी इज नो इन द कोर्स हम क्या करते हैं जो चीज़ हमारे हक में है वो बीस साल बाद जो होनी है उसको अभी बहाना बना के रोल के है। है। जीपीट नहीं है सोशल मीडिया पे मैंने आके देखा है, कि AI AI है कि कि जो टॉपिक इन उस पर बात करना शुरू आर्टन भी आ गया ना वो भी शुरू हो गया ना कोई आप ट्रेंड में आएगा हर बंदा उस पर बात करना शुरू कर है उसका मकसद एजुकेशन नहीं होगा उसका मतलब व्यूज होता है असल खुखी अफराज वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल माई नेम इज़ मुनीर अहमद आज के जो मेरे गेस्ट हैं इरफान मलिक साहब जनाब इरफान मलिक साहब इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के किंग हैं फ्री लांसिंग के किंग हैं बहुत सारे फ्री लांसर्स के बारे में आपने सुना होगा नंबर तो बहुत सारे कोट करते हैं लेकिन दिस गाय एक्चुअली आर रियल किंग दो मिलियन से ज़्यादा सिर्फ अपवर्क से विदड्रॉ हुआ हुआ इनका तो इनसे बातचीत करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि एक सिर्फ स्टोरी मेकर में और एक रियल मनी मेकर जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है सामने भाई थैंक यू वेरी मच आपने तो नैब को रास्ता दिखा दिया मेरे ऑफिस <laughs> तक का <laughs> सर कोई मसला नहीं है आपकी सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड है मैंने आपकी पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ तो सबसे पहले तो भाई बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने के लिए काफ़ी हैक्टिक ट्रिप से आप वापस आ रहे हैं और आते ही आपने टाइम दिया बहुत शुक्रिया सर अभी आप बड़े एक हेक्टिक ट्रिप से वापस आए हैं डेफिनेटली एक इंटरनेशनल ट्रिप था उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन जो मेरी पॉडकास्ट का आगाज़ होता है आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर इनिशियल लाइफ कहाँ पर पैदा हुए वो भी एक आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर आप वो शेयर करना चाहें इनिशियल लाइफ क्या थी स्टडीज़ कहाँ से स्टार्ट की आपने Uh, yeah, uh, काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं बट आई वुड लव टू शेयर इट यर क्योंकि वही मेरी एक ताकत है जी जब मैं ज़िंदगी में देखता हूँ ना मैं कभी थकता हूँ या मैं कभी रुकता हूँ या कोई मुश्किल आती है तो मैं मुड़ के देखता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कहाँ था और कहाँ ले आया अगर यहाँ तक आ गया तो आगे भी चला जाऊँगा इन शॉर्ट मैंने अपना स्टार्ट एज एन ऑफिस बॉय किया था मेरे वालद गार्डनर थे माली थे तो बड़ा मुश्किल था पढ़ना उस वक्त तो मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया और एफ के बाद मुझे भागना पड़ा इस शहर में आया बहुत से लेबोरियस काम किए तो ऑफ़िस बॉय के बाद मैं कंप्यूटर टाइपिस बना कंप्यूटर टाइपिंग करते हुए मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद मुझे पता चला कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता मेरे से नालायक दुनिया में कोई है भी नहीं जब मैं प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में आया तो फिर से मुझे बहुत सारे लेबोरियस काम करने पड़े और वो, वो सारे सब्जेक्ट्स को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा और ये बात मैं किसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये मसाइल आज बहुत से लोग फेस कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में इन चीज़ों के साथ तो मुझे वो सारी किताबें दोबारा पढ़नी पड़ी विद अ डिफरेंट माइंड सेट ये इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ एक माइंड सेट था जिसने दो साल में मुझे कुछ नहीं दिया सही और माइंड सेट चेंज करके उन्हीं किताबों ने दो महीने में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रास्ते पे चला दिया सही ठीक है तो माइंड सेट था कि मैं उसमें पढ़ कैसे रहा हूँ तो एज़ ए सॉफ्टवेयर इंटर्न से मैं शुरू हुआ फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट तो काफ़ी साल मैंने स्ट्रगल किया और 23 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर किए ये भी बात मैं किसी वजह से बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पे सारी ज़िंदगी किसी एक टेक्नोलॉजी के साथ चिपक के गुजार देते हैं और फिर कहते हैं कि हम अपना सॉफ्टवेयर हाउस कैसे खड़ा करें सही तो मैंने 23 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम किया और पाँच से सात साल सबर किया फ्री में आने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं उसको सिस्टमेटिकली आपको बता रहा हूँ और जब मैं फ्री में आया तो सिर्फ पचास डॉलर के प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया अच्छा। और उसी क्लाइंट से मैं सिक्सटी थाउजेंड तक गया माशाल्लाह क्यों नॉलेज थी थोड़ी कम्युनिकेशन बेहतर थी एक्सपीरियंस था सबर किया और ख़ुद को तैयार करके फ्रीलांसिंग में आया ना कि सीधा जम मार दिया उस वक्त खाना खाना मुश्किल था मुझे याद है मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों की इस बात सुननी चाहिए कि जब मैंने रिज़ाइन किया तो मेरी सैलरी डेढ़ लाख रुपये थी रिज़ाइन करने के बाद मेरे पास लैपटॉप तो था लेकिन इंटरनेट के पैसे नहीं थे तो मैं अपने मोहल्ले की एक दुकान के बाहर थड़ी पे जाता था दुकान वाले के साथ वाईफाई कनेक्ट करता था <laughs> और तीन से चार घंटे मच्छरों में बैठ के उस थड़ी पे लोग आते रहते थे जाते रहते थे तो मैं वहाँ बैठ के फ्रीलांसिंग करता था क्योंकि फ्री लासिंग कर ये आज से आप समझ लें कोई होगा सेवन ईयर समझ से एग्जैक्टली exactly नहीं, 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 नहीं बहुत पुरानी बात नहीं है ये ये बहुत पुरानी बात नहीं होगी तो मैं वहाँ बैठ के ये सारे काम करता था जब तक कि वो पचास डॉलर का ऑर्डर आया फिर वो पेमेंट लैंड हुई फिर आई वाज एबल टू तो बाय इंटरनेट कनेक्शन और फिर मैं अपने घर से काम करना शुरू हुआ लेकिन पैशन ये था और फिर जब मैं फ्री कर रहा था तो फिर मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में प्रोग्रेसिव फ्री किया मैं ये समझाना चाहता हूँ कि प्रोग्रेसिव फ्री क्या होती है क्योंकि प्रोग्रेसिव फ्री आपको एंटरप्रेन्योर बना देगी सी ई ओ बना देगी एंड एवेंचुअली फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बना देगी बिल्कुल ठीक है सो so, मेरी ये ब्रीफ सी स्टोरी अभी इसके दौरान तकलीफें कितनी है मेरे ख्याल में उसके लिए तो हमारे पास चार घंटे भी काम बिल्कुल ऐसे है। है, लेकिन अल्लाह जो भी आपको जिस मुश्किल में डालता है उसकी एक वजह होती है और आप निखर के निकलते हैं बिल्कुल ऐसी तो अल्लाह ने डाला और अल्लाह ने निकाला अजय इरफान भाई यहाँ उन बच्चे जो हमारे सुन रहे हैं उनके लिए ये भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि जितना भी कामयाब लोग हैं लोग समझते हैं कि यार ओवर इनको सक्सेस मिली कोई बैकडोर से आए और इनको जो है ना बस सक्सेस मिल गई लेकिन ये जानना और डिस्कस करना बड़ा जरूरी है कि जहाँ कोई भी सक्सेसफुल आदमी है ना उसके सालों साल की मेहनत है अब अक्सर होता क्या है कि देखिए सोशल मीडिया का दौर है ना हमारी वीडियोज़ वायरल होती हैं दो महीने चार महीने छह महीने हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं लोग समझते हैं यार इसको तो छह महीने हुए लेकिन मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसके ऊपर आजकल आप छोटे छोटे टिप्स दे रहे होते हैं नॉलेज बेस आप शेयर कर रहे होते हैं इनफैक्ट अभी आप अपने लास्ट विजिट के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आपने शेयर की तो लोग ये समझते हैं कि यार इनकी ओवरनाइट सक्सेस है जबकि हकीकत ऐसा नहीं है आपके पीछे पंद्रह बीस साल दस साल की मेहनत होती है तो इस मेहनत में कंसिस्टेंट रहने के लिए सर कौन सी ऐसी गोली खाई जाए कौन सी ऐसी जो है मजून लिया जाए चूरन लिया जाए जो मंजन आजकल बिक रहा है कौन सा ऐसा मंजन लिया जाए जो आपको कंपोज रखे देखो पहली बात तो ये है कि एक बीमारी है उसका नाम है कि दूसरे पे ब्लेम करना होता ये है कि जब भी इंसान किसी मुश्किल में आता है ना तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं या तो वो अपने आप से कहे कि यार यू कैन डू इट राइट यू नीड टू इंप्रूव योर आपको मेहनत ज्यादा करनी है हमारे माशरे में प्रॉब्लम यह है कि आप किसी कामयाब आदमी को देखते ही सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आता है वो ये कहता है यार ये खुशकिस्मत था बिल्कुल ठीक है यार इसका तुक्का लग गया यार इसका अब्बा अमीर था यार इसकी ये अच्छी यूनिवर्सिटी से आया हुआ है यार इस ये अच्छे इलाके में रहता था कुछ ना कुछ उसको ना एक एडवांटेज दे के अपने आप को जिमा कर लेंगे कि अच्छा हम इस जैसे इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ये तो लकी ही था क्योंकि सही जगह पे सही टाइम पे आ गया था बिल्कुल भाई जो लक होती है ना लक आती है मेहनत के साथ सही लक कहां से आती है अल्लाह ने देना ना बिल्कुल अल्लाह के यहाँ और सजा और इंसाफ का एक निज़ाम है बेशक ठीक है वो कभी भी एक नलायक और एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता वो आपके सर पे नहीं आएगा बिल्कुल ठीक है अगर आप मेहनत करें तो आपको अजर मिलना है आप मुसलमान हैं या आप काफिर हैं मेहनत का अजर तो काफिर को भी मिल जाता है है तो जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो लक आपके पास आ जाती है चल के तो पहली बात है मेहनत दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अभी आपने सवाल किया कि है कि तकलीफें नहीं आती यार अगर मैं तकलीफें बताने बैठ जाऊँ ना यू हैव नो आइडिया बिल्कुल ऐसे यू हैव नो आइडिया कि यार मैं किन तकलीफों से गुजरू यू हैव नो आइडिया मैं ये कन्वर्सेशन ही कहीं और चली जाएगी ठीक है मोर देन यू नो सेवेंटी परसेंट ऑफ मै रेलिटिव को ये लगता था कि मैं दुनिया में ही नहीं hmm. आसान नहीं होता यार ये बिल्कुल आसान नहीं होता है ये छोड़ दें कि तकलीफ में कितनी आएँगी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता लेकिन सवाल ये कि कंसिस्टेंसी कैसे आई तो कंसिस्टेंसी ऐसे आती है कि एक फोकस होता है कंसिस्टेंसी मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि वो इन्विटेशन से नहीं आते वो किसी डॉक्टर से नहीं आएंगे कोई गोली खाने से नहीं आएंगे इन्विटेशन से की बजाय आपको मेहनत करनी होती है मेहनत किस बात पे करनी होती है कि ज़िंदगी में आप जो भी बनना चाहते हो जो करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है

टूटा हुआ बैट लेके के जाए धूप में खेल रहा होगा बिल्कुल वो फोकस कंसिस्टेंसी उसे कहाँ से आती है कोई डॉक्टर दे चाहता है नहीं उसके अंदर का पैशन उसको पता होता है कि मैं एक दिन आंखें बंद करता है तो अपने आप को एक स्टार देखता है बड़े स्टेडियम में खेलते हुए जब आपको, आपका आपका मिशन और विजन क्लियर होता है ना कंसिस्टेंसी और फोकस आ जाता है ट्रू ठीक है मैं आपको बताऊँ मेरे अंदर क्यों आया मेरे अंदर क्या ऐसा मसला था कि मुझे ये करना ही करना था क्यों मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया था अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि मैं किसी की बात नहीं सुन सकता था मुझे कोई ओए करता था मुझे इतना गुस्सा आता था मैं किसी की मुझे लगता था कि मैं इसको मार दूँ खुद मर जाऊँ ठीक है मुझे मेरे अंदर थी एक सही ठीक है एक इंटैग्रिटी की फीलिंग शुरू बचपन से थी मुझे लगता था यार मैं किसी बॉस की बातें नहीं सुन पाऊंगा तो दो रास्ते हैं या तो मैं खुद को मार दूँ या मैं इस काबिल बन जाऊँ कि मुझे किसी की बात सुननी ना पड़े सही तो मेरे सामने तो रास्ता था ही नहीं मैं तो डूबा डाई के लिए निकला था कि यार या कर जाऊँगा या मर जाऊँगा और मैं कर गया अच्छा ये जो अभी आप बता रहे हैं ग्रेशन वाला आपके अंदर था अ सीईओ ये भी थोड़ी डिफिकल्टी अब नहीं आती क्योंकि देखें जब आप किसी के अंदर होते हैं तो फिर तो चले आप अपनी लिमिटेशन को समेट लेते हैं ना अब आपके अंदर जब लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बहुत है, है। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ मेरी टीम भी ये बैठी देखेगी मेरे ऑफिस में ओए नहीं है सही? मैंने अपने साढ़े चार साल के करियर में कभी किसी को इंसल्ट नहीं किया ओए नहीं किया मैंने किसी को गाली नहीं दी मैंने किसी की इज्जत पे आंच नहीं आने दी सही? क्यों क्योंकि मुझे पता है कि इससे तकलीफ कितनी होती है मर जाता है इंसान मर सही? जाता है जो लीडर होते हैं ना वो तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सामने वाले के बंदे के माइंड को मार के उसको हमेशा के लिए नौकर बना दे या उसको इज्जत दे के वैल्यू देके उसको एंटरप्रेन्योर और दूसरा लीडर पैदा कर दे मेरी कंपनी का गोल है लीडर पैदा करना बिल्कुल ठीक है मैं अपनी कंपनी में अपनी सीट पर भी नहीं बैठता हूँ मेरे लोग सीईओ की सीट पे बैठते हैं सही, मेरे लोग चेक साइन करते हैं मेरे लोग अपनी सैलरी खुद निकालते हैं मुझे भी देते हैं। अच्छा क्यों ताकि उनको ये ना लगे वो नौकर है मैं कभी किसी को नौकर की फील नहीं आने देता मुझे काम करवाना होता है ना किसी बच्चे से मैं अपनी सीट छोड़ के उसके पास जाता हूँ कि भाई ये काम है यार तुम प्लीज ये काम मेरा कर दोगे ताकि उनको ये ना लगे मैं सीईओ हो दी रिस्पेक्ट दीजिए रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो है वो लीडर पैदा करती है ऑर्डर जो है वो नौकर पैदा no कहते कर, है ये करते क्यों हैं। क्योंकि मुझे पता है कि कितनी दर्द होता है तकलीफ होता है तो मैं ना अपनी रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ना मैं किसी दूसरे की रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर अच्छा जब आपने ये पचास डॉलर वाली बात की स्टार्ट हुआ आपका पचास डॉलर से डेफिनेटली एक अच्छी प्रोफाइल के ऊपर जॉब कर रहे थे छोड़ के पचास डॉलर की एक पहली आपने फ्री की तो ये दोनों पैरल चल रहे थे या बिल्कुल छोड़ के आप आ गए फ्री लांसिंग के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं पता ये सवाल सवाल में क्यों पूछ रहा हूँ बहुत सारे हमारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं बड़ी बड़ी अच्छी लेवल की जॉब्स को एकदम क्विट किया और ऑल ऑफ द आगे फ्रीलासिंग पे क्यों मैं दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह कर रहे तो मैं बोल तो बार बार बहुत तो बड़े कमाल की बात की है आपने हाँ। कि हम अपनी जिंदगी के फैसले प्लानिंग सारी की सारी बाहर की चमक दमक देख के करते हैं अपने अंदर तो झांकते नहीं है ना हम रिश्तेदारों को देखेंगे रिश्तेदारों की बातों को देखेंगे दोस्तों को देखेंगे ये नहीं देखेंगे कि भाई उसके अंदर लल ने क्या रखा है वो किस रास्ते से गया और मुझे अल्लाह ने क्या दिया और मेरा रास्ता क्या है बिल्कुल ठीक है जब मैं फ्रीलांसिंग पे आया तो मैं फ्रीलांसिंग में बहुत देर से आया लेकिन मैंने प्लानिंग बहुत पहले कर रखी थी

तो अगर मैं एक लाख जमा करना आज शुरू करूं तो मैं घर कब बनाऊंगा? वो जब मैंने कैलकुलेशन की मैथ की वो तो चला गया दस बीस साल पे और मैंने कहा दस बीस साल मेहनत करके जो घर मैं बनाऊंगा छोटा सा और रहने जितना होगा मैं उसके अंदर नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं जो गाड़ी उस वक्त खरीदूंगा मैं रहना मैं उसको चलाना जितना होंगे तो सादा सी मेरे सामने दो रास्ते हैं या तो मैं कुछ ऐसा करूं जिसके अंदर मैं अपनी स्पीड से पैसा कमा सकूं जितना अल्लाह ने मुझे मेहनत करने की सलाहियत दी क्योंकि 18 घंटे में किसी मालिक के लिए काम करूं उसके बाद भी सैलरी उतनी है कुछ थोड़ा बोनस जो मर्जी करूं कंपनी तो उसकी बढ़ रही है ना तो मुझे अपने लिए कुछ करना है मुझे अपने हिसाब से चलना है तो मुझे लगा ठीक है मुझे अब एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है मैं ये लफ्स कर रहा हूं किसी वजह से इंटेलेक्चुअल एसेट बनाना है और वो एसेट हो सकता है मेरा आपवक प्रोफाइल ताकि मुझे घर लेना हो मैं ज्यादा काम करूंगा ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पकड़ूंगा ज्यादा देर जागूंगा ज्यादा पैसे कमाऊंगा वो काम निकाल लूंगा बिल्कुल ठीक है मुझे जिंदगी में कोई तकलीफ आएगी मेरे मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने कितना पैसा कमाया क्योंकि मैं सैलरी पे तो डिपेंडेंट नहीं हूँ तो मैंने सारी प्लानिंग की कि मैं कब जाऊंगा मुझे ये समझ आ गई थी कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है एसेट बनाना है आपको वैल्यू देना पड़ेगी बिल्कुल ऐसे ही और वैल्यू देने के लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए तो पहले स्किल बना लेता हूं ना सही सीधा जाके कूद के अपनी वैल्यू क्यों खराब कर लूं फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हो आप एक क्लिनिक खोलते हो पहला मरीज ही मार देते हो कितना कमाओगे बाकी लोग तो आएंगे नहीं आपके पास सो बेहतर है कि पहले अपना नॉलेज स्किल ठीक कर लो और पहला मरीज ठीक कर लो उससे अच्छा फीडबैक ले लो फिर लोग आती जाएगी दुनिया आपके हाँ। पास अभी इस पॉडकास्ट से पहले आपने देखा मेरे पास क्लाइंट आए हैं बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। आपके सामने मैं है मैं हालांकि यहाँ बैठा हूँ इसकी मिसाइल मिला कैसे देता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ देखिए फाइव या हो या अपवर्क हो पाँच डॉलर का भी लोगों बिक रहा है पचास डॉलर का भी बिक रहा है और पाँच डॉलर का भी बिक रहा है वो पाँच वाला सर कोई साथ में सोने का बिस्किट तो भेजेगा नहीं ना आपको डायमंड रिंग भेजेगा वो भी लोगो ही है फर्क क्या स्किल का आपने बड़ा अच्छा डायरेक्ट मैं आपका एक सवाल बताता हूँ मुझसे किसी ने किया मैं आपकी पॉडकास्ट में उसको डिस्कस कर लूँ वो हजारों लोगों का सवाल है सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं आते आप पे ऑर्डर नहीं आते सर बड़े क्लाइंट नहीं आते बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते सर, फाइवर पे छोटे प्रोजेक्ट हैं आप वक्त पे बड़े प्रोजेक्ट हैं ओ भाईओ कहीं छोटा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता आपके बेचने का तरीका होना चाहिए मैंने फाइवर पे लास्ट थ्री प्रोजेक्ट जो है वो डॉलर डॉलर के के लिए नाइस ठीक है तो बेचना आना चाहिए आपको आप फोकस होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन पे वैल्यू कितनी डाल रहे हो वैल्यू कैसे डालोगे जब आप मेहनत करोगे और उस चीज के बारे में समझोगे सिस्टमेटिकली जाओगे तो ये फाइवर आप वर्ग पर डिपेंड नहीं करता ये आपके अंदर है मैं इसको तीन चीजों से लिंक करता हूँ पहला इरफान भाई आपकी कम्युनिकेशन सेकेंड नंबर पे आपके स्किल्स और थर्ड नंबर पे आपकी तगड़ी टीम जो पीछे बैठी है अक्सर ये भी देखा है जो सिंक नहीं हो पाता बच्चे प्रोजेक्ट उठा लेते हैं कम्युनिकेशन अच्छी प्रोजेक्ट उठा लिया पीछे काम करने के लिए टीम ही नहीं है या खुद के स्किल नहीं है देखो यहाँ थोड़ी सी मैं आपको ऐड करता चाहूँ कम्युनिकेशन

प्रॉब्लम सोल्व स्किल्स एंटरप्रीन स्किल ये तीन स्किल्स दुनिया में बाकी रहेंगे बाकी सब खत्म बिल्कुल ऐसे ही है ऐसी बदल जाएंगे ऐसे ही है अच्छा अभी इसके ऊपर जो आज का बच्चा हमारा ये चिल्ला रहा है जो आपने खुद भी बात की कि जी फाइवर पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता अपवर्क पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता ये और जितने प्लेटफॉर्म है उन पर प्रोजेक्ट नहीं मिलते उसमें आप क्या समझते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं आप खुद भी डेफिनेटली माशा सबसे बड़े फ्री के विक्टम हैं विक्टम इसलिए बोल रहा हूँ कि माशाला पैसा अच्छा अंदर हुआ है ना इसे अदरवाइज बच्चे रो रहे हैं क्यों मुझे जो लगता है जी तौर पे वो इस वजह से कि बच्चा प्रॉपरली रेडी ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट को टैप करने के लिए सिंपल तो इसके लिए सर आपके पास क्या ऐसे आते हैं बच्चों के सवाल जिसमें आपको लगता है कि यार नहीं ये पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लें मनीज भाई जी बिल्कुल जरूर जरूर पहला सवाल तो ये बनता है ना कि बच्चा इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी क्यों नहीं है बिल्कुल ठीक है ऐसा क्या फैक्टर है जो हमारे मुल्क के बच्चों को रोक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आने से अब फिर तकलीफ़ होती है बात करने मेरे पता नहीं घुमा घुमा के मैं जहाँ भी पॉडकास्ट करने जो ये वाली बातें आए जाती है मुझे करनी पड़ती तो है डुमेन है ना <laughs> मेरी ये डोमेन नहीं है पर सच कभी कभी ना महंगा पड़ जाता है सस्ते मैंटोर्स अगर आप <laughs> खुद कामयाब नहीं हैं और बच्चा जब इंडस्ट्री में आता है मैं पता कामयाब क्यों हुआ फ्रीलांसिंग में क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट ही नहीं थे अच्छा चार महीने पहले मुझे हाफिज अहमद साहब ने आके पकड़ा भाई पेज बना लो हाँ, सही है डिजी स्किल वालों ने मुझे ढूंढ लिया कहीं से मैंने पेज बनाया पेज बनाया तो मुझे लगा कि यार वाओ मेरे पास तो कुछ है अल्लाह ने मुझे दिया है यार मुझे बांटना चाहिए इधर तो बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ हाँ। है अब बताओ यार मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं मैंने मैंने आज से पांच महीने पहले चल मैंने कभी पिक्चर नहीं ली थी अपनी

अब जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हर बंदा यूट्यूब से सीख के आगे सिखा रहा है यार भाई पहले ख़ुद जिंदगी में कुछ अचीव करो बच्चों को भेज सिखाओ अब बच्चे जो हैं वो मंजन सेलर के पीछे पड़ गए हैं बिल्कुल है अब जब मंजन सेलर के पीछे जाओगे तो वो होगा यार मैं आपको एक तकलीफ दे बात बताता हूँ आप आप भी इस पे ज़रा तवज्जो दीजिएगा आपके पास भी काफ़ी ऑडियंस है एक बंदा जिसने फ्रीलांसिंग में कुछ अच्छा किया ठीक है जो नज़र आ रहा है उसने अपना सारा कंटेंट दिल से रिकॉर्ड करके पब्लिक को दे दिया सही ठीक है उसके बावजूद भी अगर कोई कहीं जाके फीस देता है तो ये दिमाग की खराबी नहीं है और किसको दे रहे हैं जो मेरे मुकाबले में ट्वेंटी परसेंट भी नहीं है बिल्कुल सही तो भी ये ये यहाँ मसला नहीं है हमें ये लगता है हमारे यूथ में ये बैठ गया है कि कोई होगा तो हम चलेंगे डंडा होगा तो हम चलेंगे हमारे सर पे पड़ेगी तो हम चलेंगे तो भाई आप जिंदगी भर नहीं चलोगे करना चाहो तो आप ख़ुद से कर सकते अभी पिछले दिनों मेरे एक रिलेटिव का, का फ़ोन आया जी मुनीर भाई मुझे ना ई कॉमर्स का करना है तो हम यूजली इसमें ना पांच लाइफ की स्टेजेस बताते हैं तो मैंने उसको कहा यार सबसे पहले ना मैं उसको दो तीन कोर्सेज बताए बड़े अच्छे वाले मैं कहा ये फ्री में कर लो आप ये फ्री में करने के बाद सेकंड स्टेज पे आप जाइएगा या तो सेकंड स्टेज और थर्ड को आप मिक्स कर सकते हैं सेकंड और थर्ड क्या है या किसी सीनियर के साथ कनेक्ट हो जाओ या किसी का पेड कोर्स ले लो उसने पहली स्टेज को छोड़ दिया अपनी वालदा को उसने कन्विंस किया सेकेंड पे, स्टो थर्ड पर चला गया अब वो मुझे आ रहा है वापस कह रहा है कि भाई को जॉब का करें मैंने कहा यार देखिए थर्ड स्टेज वाले ने अगर आपको लिया है पेड कोर्स किया आपने तो उनसे आप बात करें अब बात ये कि बच्चा ये बस सिर्फ पैसे के पीछे चल रहा है कि पैसा लेना का है, पैसा।, पैसा है अब वो पैसा भी इस वजह से क्यों कि दिखा दिया गया आप बात कर करें <laughs> सिर्फ फेक मैंटोर की मैंटोर फेक नहीं है सर नाइन्टी लोग तो मैंटर मैंटर ढूंढ रहे हैं मैंटोर तो है ही नहीं मैंटोर तो चंद है गए तो ये मैंटर हो गए बेसिकली अब मेंटर का क्या है उर्दू ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता ये है मेंटर ही है। होता ये है कि अब एक निशानी होती है कि जो शख्स आप बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वैल्यू से ज़्यादा दुनियावी चीज़ें दिखा रहा है तो वो दो नंबर है <laughs> अगर वो टेबल पे नोटों की थड्डी के बच्चों को इंप्रेस करने की कोशिश करें तो इसका मतलब उसके पास वैल्यू नहीं है ठीक है वो कर रहा है अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी और अपने बंगले दिखा के करने की कोशिश कर रहा है तो यार इसका मतलब ये हुआ कि उसके पल्ले कुछ नहीं उसको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ठीक है और जो शख्स समझ नहीं आती यार मैं मैं इतना सादा सवाल है जो दुनिया में किसी छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाना चाहिए आप सोचो जो बंदा ई कॉमर्स में कमाल है वो तो बिलियन ईयर होगा यार सही है। नहीं उसको क्या जरूरत है किसी से लेने की? सही। जो बंदा में कमाल है, वो तो आपकी पॉडकास्ट में आ, आने से पहले दो तीन मिलियन बना लेगा उसको क्या जरूरत है किसी बच्चे से पैसे लेने की जो बंदा किसी भी स्किल में कमाल है उसको तो जरूरत ही नहीं है उसके बाद दो काम होंगे उसके बाद टाइम नहीं होगा हाँ ये समझ लेते हैं और उसके बाद वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा वो क्या करेगा वो वखलाकन इस मुल्क का कर्ज है ना सब पे हमें हम, हम हमें इस मुल्क ने दिया है ना तो मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ सारे थोड़ा टाइम निकाल के आपको फ्री में देंगे सबसे पैसे नहीं लेंगे यार ये पैसे अगर उनको ज़रूरत है और पता है उस पैसे की हद तक जाके ऐड भी चला रहे हैं ड्रामे भी कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आता कि उनको हमारे पैसों की जरूरत है नहीं इरफान भाई यही तो गेम ख़राब है फिर कहानी ये नहीं है देखिए अभी आपने बात की नीचे क्लाइंट आप एक एफ़र्ट लगाई ना आपने और आपकी टीम ने क्लाइंट को क्लोज़ करने में उसके बाद अगली एफ़र्ट होगी इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में थर्ड एफर्ट होगी उसको सर्व करने में एक टाइम लगेगा दो तीन चार महीने एक प्रोसेस में आएंगे फिर जाके क्लाइंट की सिंक बनेगी फिर क्लाइंट लंबा बनेगा सर इधर एक ऐड चलती है पच्चीस हज़ार रुपये का कोर्स बिकता है बेंटले और मर्सडीज जी क्लास की सिर्फ थोड़ी सी राइड होती है आपके पास सौ बच्चा आ जाता है सर बैठे बैठाए आपको एक महीने के अंदर कुछ किए बगैर आपने एफर्ट लगाई अपने क्लाइंट के लिए उधर एफर्ट नहीं लग रही सर आपने इधर उधर की चार स्लाइडें चलानी है दो करोड़ चार करोड़ आपके अकाउंट में आ जाए इससे आसान पैसा है कहाँ सर ए एक सेकंड एक सेकंड इनसे ये पूछो इन्हें मरना नहीं है सर वो बात की बात है आगे हिसाब नहीं होना सर हमारे फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे से पैसा लेके उसको इनरेलीवेंट नॉलेज दे रहे हो और उसकी उम्मीदें टूटेंगी उसका हौसले टूटेंगे उस कोई बंदा अपनी बकरी बेचेगा कोई अपना मोबाइल बेचेगा कोई अपने जेवर बेचेगा कोई अपने माँ बाप की सेविंग को लगा के देगा और इस उम्मीद में देगा कि ये काम मैं करूँगा तो मुझे इतने मिलेंगे और आप एज़ ए लीडर एज ए मैंटर उसको सच नहीं बता रहे उसको मैंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे उसको सिर्फ पैसों पर नज़र है आपकी आपने मरना नहीं है इरफान भाई अगर इस चीज़ के ऊपर हम सोचना शुरू कर दें ना सर तो पच्चीस करोड़ आवाम की जो आज हालत हुई हुई है ये नहीं होगी सर हम इंडिया के साथ कंपीट करते सर हम दुबई के साथ करते हैं हम सिंगापुर के साथ करते हैं हम मलेशिया के साथ करते हैं हम यूएस के साथ करते हैं यूके के साथ करते हैं आज क्या हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं देखा मैंने जायटेक्स में सर मैं आठ साल मुसलसल जायटैक्स में जब मैं दुबई में था मुसलसल हम लोग पार्टिसिपेट करते थे इंडियन कंपनी के मैं इम्प्लॉय था पाकिस्तानी पता है सर कितना होता था इस कमरे जितना और इंडियन पविलियन होता था पूरा पविलियन। आज मैं लीप में गया हूँ ना आपको आपसे हाँ, बताओ मैं पाकिस्तान में जानबूझ के नहीं गया मैं डायरेक्ट गया हूँ लीप से उसके भी मल्टीपल रीजन है मुझे पता कि क्या हो क्या सो so, आपने मैंटो जितने भी हैं ना सर ये बहुत बड़ा गिफ्ट है बिल्कुल। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह ने आपको अगर इस पोजीशन पे देने वाले की पोजीशन में ला खड़ा किया ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि आप इसके लिए घंटों रोज भी देना तो आप उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते आप उन घंटों के पैसे लेते हो शर्म नहीं आती <laughs> क्योंकि अल्लाह तो, की मदद के बग़ैर तो कोई मैंटो नहीं बन सकता क्योंकि अल्लाह जब तक आपका सीना इल्म के लिए नहीं खोलेगा तो आप तो सिखाने वाले बन ही नहीं सकते अगर आज आप सिखाने वाले बन गए हो खुदा ने आपको किसी तरह की कामयाबी दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से आया और आप उसी की मखलूक के गले पर हाथ रख के बैठे हुए हो शर्म नहीं आती और सर नॉलेज भी वो माजरत के साथ नाइन्टी परसेंट इस वक्त जो मैंटोर या ट्रेनर हैं गोरे का रिप्लिकेट चलो यार थोड़ा बहुत फ़्लेवर अपना डाल लो नहीं सर ट्रांसलेशन सिर्फ हो रही है ट्रांसलेशन करके डायरेक्टली बेची जा रहे हैं बच्चों को नहीं पता ना यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको तो पता है बच्चों को तो नहीं पता इंसान मुझसे को बचा के सवाल करता है सर मुझे ना एस के बारे में बता दे मैं कहता हूँ यार जाओ हिशाम भाई से पूछो यार जाओ फला से पूछो मुझे बेहतरीन पता है लेकिन भाई मैं नहीं बताऊंगा इस पर मैं नहीं हूँ रेडी इसके लिए

मैं इसको बोलता हूँ कम्युनिटी गिव बैक आपने बड़ी प्यारी बात की कि ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक फर्ज समझना चाहिए कि भाई अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है सर देखें 22 करोड़ आवाम है कितने इरफान मलिक हैं कितने मुनीर अहमद हैं उसमें वी आर ब्लेस्ड इनफ कि अल्लाह ताला ने ये लसानियत हमारे इस जुबान में डाली है कि हमारी बात चार लोग सुनते हैं तो उसका वाकई हमें फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों तक ज़्यादा बात पहुँचानी चाहिए अच्छा एक दो कोई ऐसी टिप जो बच्चों को देना चाहिए क्योंकि मैं आपके साथ ना तीन चीज़ें डिस्कश डिस्कशन होगी एक है फ्री लांसिंग एंटरप्रनियोरशिप और दूसरा है हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो इसको हम यहीं पर क्लोज़ करेंगे उससे पहले आप एक दो को टिप बच्चों को दे दें कि फ्री लांसिंग में जो आना चाह रहे हैं क्या रोड मैप लेके आए देखिए फ्री लांसिंग में आने से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो है अपनी असेसमेंट करना पर्सनैलिटी की असेसमेंट करें स्किल को एडॉप्ट करें और स्किल पे कमांड लें ठीक है जब आपकी स्किल बेहतर हो जाए वैलिडेट हो जाए अब तब फ्रीलांसिंग में एंटर हो सिस्टमेटिकली ना कि सीधा ही छलांग लगा दें नंबर दो आप जहां हो जिससे भी फ्रीलांसिंग सीख रहे हो भाइयों पहले देखो कि उस बंदे से सवाल करो कि तुम क्या करते हो तुमने अचीव क्या किया है लर्न फ्रॉम द बेस्ट फॉलो द लीडर्स आप अगर बॉस को फॉलो करोगे कभी कुछ नहीं बनोगे फाइंड एंड फॉलो द लीडर्स अगर वो किसी के आप ऐसे बंदे के सेल्फलेस बंदे के हत्या चढ़ गए ना तो आपको कुछ बना देगा और उसके बाद जब आप फ्री में आ जाओ स्किल डेवलप करके सिस्टमेटिकली फ्री में आ जाओ क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो चाहे आपको ये पता हो कि कल का खाना मेरे पास नहीं है रिस्क खुदा ने देना है रिस्क का वादा अल्लाह की तरफ़ से आप भूखे नहीं सोएंगे लेकिन कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना ये सोच के तो मैं तो किसी गोरे के लिए काले के लिए काफिर के लिए काम कर रहा हूँ हिसाब होगा जब आप पूरी ईमानदारी से डिलीवर करेंगे समाइम होगा ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मुझे पता होता था कि अगले महीने गरेंट नहीं जाएगा काम एक्स्ट्रा है लेकिन मेरी मिसकम्यूनिकेशन की वजह से आई गो एंड डिलीवर खत्म बरकत शामिल हो जाएगी खुदा की बरकत के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते और बरकत तब आएगी जब आप किसी का नुकसान ना करेंगे ना होने देंगे ना सोचेंगे मेरे ख्याल में बच्चों को ये भी जरूर फोकस करना चाहिए कि जहाँ वो अर्निंग की तरफ तोजो दे रहे हैं लर्निंग की तरफ भी कंटिन्यूसली तोज्जो दें ताकि इनहेंस होता रहे प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग का वर्ड मैंने स्टार्ट में इसलिए यूज़ किया था कि फ्री वक्त आप आपने कहा कि आने वालों के लिए आप फ्री करने वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्रेसिव फ्री करो मैं आपको एक छोटी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मुझे पता है कि मेरे मुझे पता था कि यार मेरे ना तीस चालीस हज़ार मुझे कमाना है अदरवाइज़ मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं नहीं रह पाऊँगा और मुझे पता था कि मैं अगर फ्रंट एंड वर्डप्रेस में जाऊँगा मैं आराम से कमाऊँगा लेकिन मैं फ्रंट एंड वर्ड के प्रोजेक्ट रिफ्यूज़ कर देता था सही। मैं कहता था आप मुझे चालीस हज़ार फ्रंट एंड में ना दो मैं आपका एक हज़ार डॉलर का प्रोजेक्ट दो सौ डॉलर में कर दूंगा करूंगा डॉट नेट में सही सही क्यों मुझे पता था कि एक और स्किल सेट ऐड हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी प्रोफाइल में लग जाएगा ऐसे नहीं तेईस टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था ये काफ़ी सारे लोगों को मसले आएंगे ये समझ लें आप लोग जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था जब मैं इनिशिएट किया तो मैंने एज ए यूआ इंजीनियर इनिशिएट किया और यूआ इंजीनियर के बाद वर्डप्रेस डेवलपर बना तो वर्डप्रेस में मुझे लाया गया तो किसी ने कहा वर्ड प्रेस में हमारा काम कर दो तो मैंने कहा ठीक है दो प्रोजेक्ट करूँगा मैंने अपने बॉस से कहा शायद वो ये वीडियो देखा उसने कहा चल दो कर देना मैंने दो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तीसरा दिया मैंने कहा नहीं मैं तीसरा नहीं करूंगा अच्छा कहता यार कर दो अब आ गया क्लाइंट ऑन बोर्ड है कर दो मैंने कहा सर आपसे न का दो करूंगा अब तो मुझे डॉट नेट में जाना था मुझे कहा मैं आपको डॉट नेट का टास्क दूंगा कहता नहीं ये कर दो अब सॉफ्टवेयर हाउस को पता होता है कि यार ये मैं वर्क प्रेस काम का करूंगा तो मैं इनको तीस दिन के अंदर इतना डिलीवर करूंगा और एक नई टेक्नोलॉजी पे जाऊंगा तो तीस दिन में मैंने कुछ डिलीवर नहीं करूंगा सैलरी तो मेरी सेम रहेगी तो कोई क्यों जाने देगा आपको मुझे ये बात समझ में आई तो एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे आप वर्डप्रेस का काम दे दें साथ में डॉट नेट का भी दे दें अच्छा। लेकिन मैं डॉटनेट आपका काम इफेक्ट नहीं हो दूंगा डॉटनेट में रात को करूंगा वर्ड प्रेस में आपका दिन में करूंगा

दो जिंदगी के अंदर ना आपको रोड मैप मिलते हैं एक आप शुरू के पांच सात साल मार खा लो सारी लाइफ अपनी बेहतरीन गुजारो, है, के पांच, साल कर लो, सारी तीन चार साल जिंदगी दोजक बना लो आगे कर लो सारी जिंदगी चित्र कहो ऐसे कहता था बिल्कुल अच्छा जी अभी मूव करते हैं थोड़ा सा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमारे तो तो ठीक है पेज बना लिया डेवलपर डेवलपर ज़्यादा किसी ने को बहुत प्रोग्रेसिव हो गया तो पे चला गया चला इससे आगे हम जाते ही नहीं क्या वजह इसकी भेजने वाले कितने हैं कुछ भी नहीं है काउंट अच्छा, तो भी ना, है ना यकीन करें वो इतने ज्यादा अपने अपने ही नहीं पसंद करते तीन साल पहले ना मुझे एमरजिंग टेक्नोलॉजीज का नहीं पता था सही मैं डॉट नेट इन चीज़ों में कमाल था डेवलपमेंट करने बैठता था मेरा हाथ नहीं रुकता था फिर मुझे लगा कि नहीं यार दुनिया चेंज होने वाली है ठीक है मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन हुआ एफर्ट की इतनी एफर्ट की कि आज मेरा प्रोफेसर और मेरा बिजनेस पार्टनर भी है शराज नसीर साहब जिनके साथ में वो करता हूँ तो एफर्ट तो का लेवल ये था कि क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहा था मैं तो क्रिप्टोग्राफी का लेक्चर मिस करोगे तो आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आता ये मुझे पता था मैं छुट्टियों पर चला गया भावलपुर ठीक है मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे और मेरे लिगामेंट टूट गया सारा और मेरी टांग पे चढ़ गया प्लस्तर अच्छा। और दो दिन बाद लेक्चर था लाहौर यूनिवर्सिटी यूएमटी में लाहौर यूनिवर्सिटी में प्लास्टर वाली टांग के साथ गाड़ी में लेट के किसी ड्राइवर को अरेंज करके गाड़ी के आज भी मेरे पास जो पिक्चर है वो सीट रख के के पूरी पेन साथ है है मैंने लेक्चर नहीं छोड़ा ठीक <laughs> मैं चार किलोमीटर सफर करके आया hmm. मैंने दो घंटे का लेक्चर लिया मैंने चार किलोमीटर सफर करके वापस गया ठीक है प्रॉबली एट टू नाइन हंड्रेड किलोमीटर टूटी हुई टांग के साथ वो एक लेक्चर लेने के लिए मैं आया था ठीक है क्यों मुझे पता था कि यार मैंने सीखना है मैंने सीखना है ना कल को मेरे हाथ नहीं चढ़ेगा ये बंदा ठीक है तो तब से शुरू किया मैंने सिलसिला आप बताएं कि कितने हमारे लोग हैं जो इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं इमरजिंग टेक्नोलॉजी को सीखने में अगर ऐसा होता तो जायटेक्स भरा पड़ा होता पाकिस्तानियों के साथ मैंने वहाँ जायटैक्स एक वीडियो बनाई थी ओ भाई मैं यहाँ एक्सप्लोर करने आया हूँ सीखने आया हूँ आप भी आओ यूट्यूब पे बैठ के कैमरे के आगे बैठ के लेक्चर देने को तो चैट जीपीटी में आप कमाल होते हो इधर आके बताओ ना सारी दुनिया जहाँ इकट्ठी है उनसे लो और पाकिस्तानियों को दो एफर्ट तो करनी नहीं पैसा तो लगाना नहीं मेहनत तो करनी नहीं और क्यों करेंगे मेहनत मुझे बताएं सर अगर मैं एक कोजी इन्वामेंट में बैठ के ठीक है ईज़ीली चार वीडियोस देख के एक पोस्ट डाल के अपने सादा बच्चों को कर, इंप्रेस कर सकता हूँ और उनसे पैसे ले सकता हूँ पच्चीस बीस पच्चीस हज़ार जितने भी बनते हैं तो भाई मैं क्यों जाके वीज़ा लगवा के किसी और मुल्क में जाके मारा मारा फिर के सीखूँगा एफर्ट नहीं करते जब तक हमारे मुल्क में इमरजिंग टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस क्रिएट करने वाले नहीं आएंगे इनकी वैल्यू देने वाले नहीं आएंगे तब तक हम फंसे रहेंगे और मुसीबत ये है हमारे मुल्क में अगर आप बात करो शॉर्टकट की आपको लाखों फॉलोअर यूँ मिलेंगे।, मिलेंगे आप बात करो विजन की लंबे अरसे की इस मुल्क की भलाई की आपकी और आपकी फैमिली और आपके खानदान की भलाई की बड़ी बात करो ब्लॉकचेन की बात करो लोग इसको फैंटेसी स्टोरी समझेंगे फेरी टेल समझेंगे लोग इसको कहानियां समझ के ना आप कहेंगे इसको छोड़ो यार ये नहीं मिलेंगे आप अलहमदल में तो फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है लेकिन ये बातें इसलिए नहीं करते लोग उन्हें पता यार इस तरह की बात करोगे आज चाहिए स्पाइसी बातें है तगड़ी बातें ये देखो डेढ़ करोड़ रुपया एक रात में ये देखो दस करोड़ रुपया एक रात में ये वाली बातें चलती है ना आजकल ये कैसे चलेंगी कि यार पाँच साल बाद आएगा तो देखिए चैट चार जी बी तीन महीने पहले मैंने पहले बोला था तीन महीने मैंने पहले बोला था कि यार ये ऐसे आएगा आपके घरों में घुस जाएगा उस बद भागते फिर रहे हो हाँ। और हुआ है वही हो हुआ। वही हुआ और अभी तो ये शुरुआत है अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज हैं ये है क्या ताकि जो आम सुनने वाले इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में मैं एक बात कहता हूँ आपने एक वर्ड याद रखना जो मैंने अहमद बनाफा से सीखा बड़ी दफा बोल चुका हूँ आई बैक आई बी ए सी ठीक है सबसे पहले आपका आई इस वक्त बूम है आईओटी आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसा छाने वाला है ना कि सारी डेवलपमेंट को उठा के दूर फेंके आईओटी उसके बाद है ब्लॉकचेन उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी अब मैं इसकी तरह आपको थ्योरी भी बता देता हूँ थोड़ी लॉजिक भी आई क्या है आई सेंस करता है चीजों को महसूस कर हार्डवेयर डिवाइस है ना सेंस जैसे जैसे, हमारा हाथ है ना हम सेंस करते हैं ठंडा गर्म हर चीज महसूस करते हैं और महसूस करके सिग्नल दिमाग को भेजते हैं और दिमाग उसको स्टोर करता है तो ब्लॉक क्या है स्टोरेज एंड कनेक्टिविटी फिर दिमाग सोचता है कि जो सिग्नल आया है इन हाथ से पाँव से आंखों से सिग्नल जो आया है इसका करना क्या है डिलीवर क्या सोचता है तो सोचने की टेक्नोलॉजी कौन सी है ये है यह इंसान के दिमाग के स्ट्रक्चर पे बनाई गई है फिर हम सारी वाइटल इंफॉर्मेशन सेव करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी

हद है यार आपको एक बंदा जो दुनिया में टॉप चंद के लोगों में आता है वो सिखा रहा है फ्री में और सिर्फ तेरह हज़ार लोग बैठे हुए हैं सर उसकी वजह ये आपने खुद बता दिया हमारे oh फ्री God. में ये फ्री का जो वर्ड है ना सर ये प्रॉब्लमेटिक है वो पता क्या समझते हैं कि ये वैल्यूबल कॉन्टेंट नहीं है और ये माजरत के साथ ये दिमागों में हमारे इंजेक्ट किया गया है कि भाई फ्री का कॉन्टेंट इज़ नथिंग क्यों बताया गया है ना हमें बात तो वही है बच्चों को तो जो सिखाएंगे फिर बच्चे ने वही सीखना है बच्चे को बोलेंगे अच्छा, ना, अच्छा, ना कि भाई आप पेड़ वाला कोर्स ले लें उसमें आपको क्या होगा अच्छा इसमें एक और नई फकी बिक रही है अब वो फकी क्या है कि भाई अगर आप लेंगे ना फ्री वाला देखिए उन्होंने कोर्स रिकॉर्ड किया इरफान साहब ने तो आपको कभी जिंदगी में मुंह नहीं लगाना आप लें मुनीर साहब का पेड़ कोर्स मुनीर साहब आपसे वन टू वन इंट्रेक्शन करेंगे यू नो इन द क्लास है आपको कोई मसला होगा वो आपके लिए हाजिर है ये मुझे एक एडवाइस करने दो आज सबको करें सर करें ठीक है मैं इसको काट के अलग से दे देना सबको यार अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से एक एक ऑफिस बॉय से लेके सीईओ तक और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला के बता रहा हूँ अगर आप में से किसी को ये लगता है कि आप को सीखने के लिए कुछ बनने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छा कमाल का टीचर कमाल का और कमाल का इन्वायरमेंट चाहिए तो यू आर ए फेलियर यू आर ए लूज़र वक्त बदल चुका है टेक्नोलॉजी इतनी ग्रूम कर गई है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आपको एक ऑर्डनरी सा बंदा भी मिल जाएगा गुजारा कर लेंगे एक ऑर्डनरी यूनिवर्सिटी में भी आपको पढ़ लेना चाहिए आपको यूट्यूब से सीखना आना चाहिए आपको गूगल से सीखना आना चाहिए आपकी सेल्फ़ लर्निंग की जो वैल्यू है इतनी बढ़ गई अगर आपके अंदर सेल्फ लर्निंग नहीं है आप पैसे लगा लगा पागल हो जाओगे आप कहीं नहीं जा सकते मैं आज गारंटी दे रहा हूँ सेल्फ लर्निंग बहुत बदला क्यों पहले नहीं था इतना इंटरनेट को अब तो चैट जीपीटी आपको एमबीए का एग्जाम पास करा देता है और अभी भी आप मेंटर ढूंढ रहे हो यार शर्म नहीं आती आपको मज़दा है आपके लिए जो मैं तैयारी कर रहा था ना जब मुख्तफ आपकी वीडियोज़ देखी प्रोफाइल देखा मैं आपको ज़ाहिर का, है काफी अर्से फॉलो भी करता हूँ तो मैंने कहा यार चले ये तो सारा मैंने कर लिया ना अब लेट चैट जी पी प्लेयर रोल फॉर इरफान भाई सर उन्होंने आपके लिए वही अच्छा कुछ निकाल के दिया जो मुझे पता था आपके बारे में मतलब चैट जी पी टी से हम लोग अपनी पूरी तैयारी तक करते हैं तो सर मैं कहता हूँ कि अगर आपको वाकई लाइफ में कुछ करना है ना तो तीन चीजों से मोहब्बत कर लें पहला गूगल यूट्यूब और तीसरा अपने आप से इन तीन चीजों से इरफान भाई अगर मोहब्बत कर लें चौथे की जरूरत ही नहीं हाँ ठीक है मैंटोर आपके लिए बिल्कुल एक मछले राह बनता है एक अच्छा आपका नेटवर्क जो होता है वो आपके लिए वाकई एक वर्थ होती है लेकिन शो स्टॉपर नहीं है सर आज की डेट में कोई चीज़ कोई भी नहीं शो स्टॉपर आप खुद हैं जो बंदा ये बात कह रहा है कह तो रहा हूँ कि यार पाँच महीने चार महीने पहले मेरे अकाउंट्स ही नहीं थे अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ के कॉलेज ना जाके मैं कॉलेज नहीं गया मैं कॉलेज चार से पाँच दिन गया क्योंकि मैं नेशनल अच्छा। नेशनल खेलता था मैं एथलीट था तो मैं सिर्फ अटेंडेंस लगाना चाहता था जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एडमिशन जब मैं स्कूल में था मेरा एडमिशन कॉलेज में था जब मैं कॉलेज में था मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में था ठीक है तो मैं हमेशा अपने से दो साल आगे रहा हूँ खेल में तो मैं तो गया नहीं जाता नहीं था तो फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया हूँ मतलब आपके साथ लम्स का ठप्पा नहीं है लेकिन नहीं है मेरे है? साथ लम्स का ठप्पा यार मेरे साथ किसी मेरा कोई मेंटोर नहीं था कभी मैंने बोला गया फलाम बंदा मेरा मेंटोर था मुझे को, मेरा कोई मेंटोर नहीं था सिंपल नेक नियत लेके पूरी मेहनत करो अल्लाह आपका सीना इल्म के लिए खोलेगा और आपको पकड़ के लाके खड़ा कर देगा एक मकाम पे और उस मकाम पे आके आपके पास दो रास्ते होंगे एक ये आप सोचें कि अल्लाह ने मुझे यहाँ खड़ा किया है मुझे वापस करना है दूसरा मैं बहुत स्मार्ट था बहुत मेहनती हाँ। था मैं यहाँ पहुँचूँ आप मुझे वसूल करना है बिल्कुल तो जब वसूली <laughs> के चक्कर में पड़ोगे आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और जब देने पर आओगे तो अल्लाह इतना देगा इतना नवाजेगा कि उसकी कोई इंतहा नहीं है कोई हद नहीं कुरान के एक कायद का तर्जमा है न उसका मफह इस तरह से है कि अगर आप मतलब सच्चे दिल से अगर अल्लाह से मांगते हो ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह तस्ते से आपके लिए जो है रिस्क का इंतजाम आप इसको बेशक काट दीजिएगा। का। मैं आज इधर पे गया ना इस दफा मेरी जिंदगी में ऐसे वाक़ हुए हैं पिछले चौदह दिन के अंदर मैंने अपने लोगों को भी बताया मैं किसी ह्यूमन को बताऊंगा ना वो यकीन नहीं करेगा मुझे यकीन है वो यकीन नहीं करेगा पर मुझे अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई माशा क्यों आपकी नीयत साफ होनी चाहिए मैं आपको ना दिल से ही बोल रहा हूँ हो क्या उम्र से भी हो क्या है? मैंने तस्वीरें नहीं डाली मेरा दिल नहीं मानता है इस चीज़ों को करने पर एक पता नहीं लोग कैसे करते हैं मैं नहीं करा अच्छा है बुरा बस मेरा दिल नहीं मान रहा ठीक है पर जो मैंने देखा जो मेरे साथ हुआ मैंने एक्सपीरियंस किया ना ह्यूमन कैन नॉट कॉम्प्रीहड दैट क्योंकि सिंपल सी बात है आप नियत सही रखो अल्लाह आपके सामने रास्ते ऐसे साफ़ करता जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे बे सिर्फ इंसान सोचता है कि मेरा कमाल है ये मेरी ताकत है ये मेरी यूनिवर्सिटी है ये मेरा मैंटोर है ये मेरी कंपनी है ये मेरा पैसा है और यहाँ फंस जाता है और इन सारी जो बातें हमने की ना पाँच सात जुमले बोले इनका हक हक ही नहीं है आपके पास इसका हक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखा है ना सर तो ये अगर हमारे पास आ गया हम तो पहले ही मैं अगर खुदा मेरा साथ ना देता मैं तीन मिनट के अंदर तबाह हो जाता बिल्कुल और मैं तीन मिनट के अंदर अगले कई साल कर कारोबार लाइक निकाल लिया मैंने वो तीन मिनट अगर खुदा मेरा साथ ना देता मैं तबाह भी हो सकता था और मैं तरक्की भी कर सकता ऐसे कई तीन मिनट आपकी ज़िंदगी में हर रोज आते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, है, है सिर्फ इंसान समझता नहीं है कि अल्लाह ने क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आज मैं अपने ऑफिस से आपके ऑफिस तक आया हूँ दस दफा एक्सीडेंट से बचाऊ क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना इंसान की सोच ऐसी है ना कैसे पता चला कि जब मैं आपके साथ बात कर रहा था तो उस क्लाइंट का जो मैसेज आया और वो हमने क्लोज कर हाँ। लिया कैसे पता चला कि वो मेरा कमाल नहीं था वो अल्लाह ने उसके दिल में डाला था जाओ यार इरफान मलिक के पास जाओ ऐसे कैसे था अब तो मेरे मेरा सोच है ना कि मैं कहूँ कि यार ये मैं काबिल इतना हूँ कि ये बंदा मेरे पास आया या मैं ये सोचू कि क्योंकि मैं दुनिया को दे रहा हूँ अल्लाह ने कहा ये दे रहा है तो आओ इसके पास जाओ जब जा मैं उस क्लाइंट के साथ स्क्रीन शेयर पर अभी गया ना तो उसने नाम लिखा मेरा ना रिसर्च प्रोजेक्ट एलोकेट करने के तो लाइन थी लंबी लाइन थी <laughs> लंबी लाइन <लाएं> थी लेकिन उसने उसने मुझे ढूंढ के मुझे दिया बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है मैं कह रहा हूँ कि मेरा कमाल नहीं है भाई सिर्फ मैं लोगों से पैसे नहीं मांगता मेरा कोई एजेंडा नहीं है ऐसा अल्लाह ने मुझे एक मकाम दिया मैं दे रहा हूँ यही बात अगर हमारे मैंटो जरात समझ लें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट तो बहुत दूर की बात है पाकिस्तान दुनिया में नंबर वन हो जाएगा बिल्कुल मुसलमान नंबर वन क्यों थे क्यों थे क्योंकि हम देते थे तबलीग करते थे तबलीग करते थे चल के जाते थे दूसरों का पहले सोचते थे अपना बाद में सोचते थे जब तक ये हमारे अंदर रहा है हमने डोमिनेट किया है जब हमने अपनी ज़ात तक अपने आप को महदूद कर दिया मुसलमान गिरना शुरू हुआ है लड़कता 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 आज ये लेवल है कि हमें यकीन नहीं है करोड़ों भी बैंक में पड़े हो तब भी यकीन नहीं है कि अगले महीने पैसे हमारे पास कोई नुकसान ना हो जाए खाली ना हो जाए सर अभी तो नई गेम चल रही है ना करोड़ों बैंक में पड़ा है और सोच ये चल रही है यार इस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लो <laughs> <laughs> खैर एनी anyway, सर ये कड़वी हकीकतें इस पर बाकी हम आ, चार घंटे भी बोले तो ख़त्म नहीं होगा अच्छा अभी दोबारा आते हैं इमरजिंग टेक्नोलॉजी पर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जिस स्पीड से ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है हर रात जब हम सोते हैं उस उठते हैं नई चीज़ आई होती है एक ख़तरनाक काम हो रहा है ठीक है ठीक है इमरजिंग टेक्नोलॉजीज को लेके एक बहुत ही खतरनाक काम हो रहा है जो हमारे बहुत ही कम लोगों को पता है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनका ताल्लुक नहीं है उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता ये मैं जब मैं अभी गैना जाइटक्स अरब हेल्थ लीप ये सारी एग्जीबिशन मैंने अटेंड की तो यार मुझे नज़र ये आया कि सिस्टमेटिकली पाकिस्तान को ख़त्म करने का प्लान किया जा रहा है हमारी स्ट्रेंथ क्या है साठ परसेंट नौजवान बिल्कुल ठीक है उन साठ परसेंट नौजवानों को ख़त्म कर दो खत साठ परसेंट नौजवानों के मसल्स हमारी स्ट्रेंथ नहीं है साठ परसेंट नौजवानों के अंदर सीखने का पोटेंशियल इंजीनियर बनने का पोटेंशियल साइंटिस्ट बनने का पोटेंशियल डॉक्टर बनने का पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बनने का पोटेंशियल वो दुनिया के लिए खतरा है अब जब आप इकोनॉमिक ये जो क्राइसिस पैदा करके उनको छोटी छोटी ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाओगे ठीक है दस साल में दुनिया एवॉल्व होती होती कहाँ चली जाएगी एक इंडियन स्टार्टअप आता है उसने ब्लॉक के अंदर फोर मिलियन फाइव मिलियन की ट्रांजेक्शन की होती है और एक पाकिस्तानी स्टार्टअप उसी एग्जीबिशन के कोने में बैठा हुआ वर्ल्ड प्रेस की सर्विसेज बेच रहा होता है तो है। क्या होगा वो क्या होगा क्या दस पंद्रह साल बाद क्या होगा हमारे लोग जो हैं वो इरेलीवेंट हो जाएंगे इनफेक्टिव हो जाएंगे रेस से बाहर हो जाएंगे अब सोचें ज़रा कि नौजवान रेस से बाहर हो गया है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहीं नहीं है उस लिहाज से दुनिया ऊपर जा रही है और वो फ़ासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आने वाली जो काम है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ जाएंगे पाकिस्तान में आएंगे नहीं, नहीं। क्यों आएंगे पाकिस्तान में क्योंकि आने वाले दौर में अगले पांच सालों के अंदर आपके जो 80 परसेंट प्रोजेक्ट हैं वो एआई और ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएंगे ट्रू। हमारी सारी मैन पावर जो है वो नीचे मुझे पता है मैं नाम नहीं लेता फिर मुझे कहेंगे वो नीचे लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इस वक्त फॉरन इनकम का सबसे बड़ा जरिया है आप उससे बाहर हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे हो गया ही नहीं होगा मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ मोटिवेट नहीं कर रहा किसी को तो क्या होगा हम ओवरऑल कमजोर हो जाएंगे फिर क्या होगा फिर जो दस परसेंट कॉम्पिटेंट लोग हैं वो भी यहाँ से भाग जाएंगे आ, क्योंकि प्रोजेक्ट पाकिस्तान नहीं आ रहे सऊदी क्या करता है बड़ा प्रोजेक्ट देगा ना कह कंपनी इधर रजिस्टर कराओ बिल्कुल दुबई क्या कर रहा है अच्छा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको भी मैं बात करना चाह रहा था अपनी मैं वीडियो बनाना चाह रहा था मैं आपके प्लेटफॉर्म दुबई ने वीज़ा फ्री लेंसिंग इशू कर दिया हाँ जी हम नाच रहे हैं शर्म नहीं आती इसका मतलब पता क्या है मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है अगले चंद महीनों के अंदर आपका टैलेंट बाहर बैठा होगा चला जाएगा बिल्कुल आपकी इकोनॉमी और कमज़ोर हो जाएगी ये तो गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्री है कि वो फ्रीलांसर को अगर दे रहे हैं तो आप भी मराद दें फ्रीलांसर को उनकी जिंदगी आसान करें तीन टाइम की रोटी का इंतजाम कर दो ना यार दो। मैं, कितन, मैं लिखा था एक दफा कि तीन टाइम की खाली पेट को इनोवेट नहीं कर सकता अपने फ्रीलांसर्स को प्रोटेक्ट करें अच्छे दें, इंस्टीट्यूट दें मशीन्स दें इंटरनेट का सामान पैदा करें अपना लोकल प्लेटफॉर्म बनाएं, उनको फैसिलिटेट करें उनके ख्याल रखें क्यों कोई बाहर जाएगा बाहर के लोग वापस लेके आए जब वो आएंगे तो हजारों लाखों डॉलर साथ लाएंगे तो आपका भला होगा एक तरफ तो पैसा ही सबसे बड़ा बना हुआ

आपको कमज़ोर किया जा रहा है तीसरा आपको बाहर से अट्रैक्ट किया जा रहा है पुल किया जा रहा है ठीक है टैलेंट बाहर निकल जाएगा जो है वो वेला हो जाएगा सोचें तो सही कितना बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क का कितनी इन्फ्लुएंसर हज़रात इस पर बात करें ज़रा लेकिन ये बताएं मुझे आप तो चलो मैं तो कुछ नहीं बात नहीं मैं ये नहीं कह रहा कितने करेंगे मैं कह रहा हूँ कोई करेंगे ही नहीं इस पर फिर दुकानें कोई बंद नहीं करना चाहता ना मसला ये कि हर बंदा ये चाहता है कि मेरी दुकान जो है उसमें चमक धमक नजर आए तो चमक धमक कैसे आएगी फिर मरना नहीं है यार। सर छोड़ दें हम तो डिग्री के खिलाफ हुए पड़े हैं अब ये मेरे पेन टच मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मुझे पता आपने इस पर काफी डिस्कशन की सर अनफॉर्चुनेटली हमारी इस कौम ने माजरत कौम तो है नहीं हजूम ने डिग्री को पैसे के साथ लिंक कर दी है सर इससे बड़ा कोई डिजास्टर हो सकता है माँ कह रही है डॉक्टर बनाना है बाप कह रहा है डॉक्टर रिश्तेदार कह रहे हैं डॉक्टर यूनिवर्सिटी कह रही है डॉक्टर आपका मदरसा कह रहा है डॉक्टर सर कहाँ है तरबियत कहाँ है जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया ना जो कि हमारे नेबर कंट्री ने किया है मैं बार बार नेबर कंट्री की बात करता हूँ कि सर मैंने अपनी ज़िंदगी के दस साल उनके साथ गुजारे हैं और मैंने उनको देखा है कि किस तरह काम करते हैं वो लोग हमने जिस दिन ये सोच लिया ना कि यार एक ग्रेजुएशन की डिग्री या एक मास्टर्स की डिग्री एक अच्छा मुनीर अहमद या अच्छा इरफान मलिक बनाने के लिए करवाई जाए हम तर जाएंगे सर लेकिन हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं नहीं भाई एम करने के बाद सैलरी कितनी लगेगी डॉक्टर बनने के बाद आपकी सैलरी कहाँ लगेगी किस जगह पे आपकी जॉब लगेगी तो कहाँ से सर हम सीखेंगे पाइथन की आपने बात की पहले डॉट नेट की बात की हम डॉट नेट पर फिर रहे हैं अभी तक इंडिया डॉट नेट न्यूग के अंदर एक टाइम था जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में था पाकिस्तान का रिसोर्स प्रीमियम त्रीन कहलाता था डॉट नेट और डॉट नेट न्यूग में आज है ही नहीं हम लोग मैं आपको एक बात बताता थे फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है आप देख रहे हो आजकल पाइथन पाइथन सीख रहे हैं लोग सवाल मैं सबसे करता हूँ तीन महीने बाद चार महीने बाद सब कुछ जवाब समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं तो वो तीन चार महीने गुजार के बैठा हूँ ना कई तीन चार हाँ, महीने पाइथन सीख के आपने अगर आना है डेटा साइंस में पाइथन सीखना ऐसे है मैं आपको बताऊँ कि कोई बंदा आपको आए और कहे कि आज मैं आपको गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाना सिखा ठीक है वो कहेगा यार यहाँ से स्टेयरिंग पकड़ के यहाँ से स्टेयरिंग पकड़ के आप यूं यूं घुमाओ गाड़ी स्टार्ट भी होती है गाड़ी के ब्रेक्स भी होते हैं बहुत सारे फीचर भी होते हैं खाली पाइथन आप कुछ नहीं है आप अच्छा आप वेब डिवेल्पमेंट में आ जाए वेब डिवेल्पमेंट में आएंगे तो उसके अंदर अगेन लॉजिक बिल्डिंग होगी फ्रंट एंड होगा बैक एंड होगा डिप्लॉयमेंट होगी एक्सपोयर होगा बहुत कुछ होगा पाइथन में सब कुछ तो नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सिर्फ आपको तीन घंटे चाहिए होने हैं अगर आपको चौथे घंटे की जरूरत है तो आप नलायक हैं अब देखना इस बात पे कितने को आग लगेगा ठीक <laughs> है लैंग्वेज तो मैटर नहीं करती पाइथन इज लैंग्वेज और लैंग्वेज में भी सबसे आसान लैंग्वेज पाइथन है ठीक है और उसके लिहाज से अब आप जब किसी को सिर्फ ये सिखा दोगे अब हो क्या रहा गैप पता कहाँ जा दु, दिल दुखता है थोड़ा सा ना बच्चा आता है उसको इन सारी चीजों का नहीं पता वो समझता है मैं ये पाइथन सीखूंगा चार महीने बाद निकलूंगा पैसा कोई लोन लेके आ रहा है कोई क्या चीज बेच के आ रहा है वो उम्मीदें लेके आ रहा है और टोर को पैसा मिल रहा है अब वो ये नहीं बता रहा बेटा पाइथन के साथ या ये सारा कुछ सीखो हाँ। या सीखना पड़ेगा ये मत उम्मीद रख के ना मेरे पास के पाइथन सीखने से आपके पास पैसे आ जाएंगे ठीक है तो अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है सिस्टमेटिक मैनर में जाएं कोई डिग्री की तरफ जाएं डिग्री मिले ना मिले वो कागज का टुकड़ा मिले ना मिले लेकिन वो पूरा सिलेबस जरूर पढ़ें खुद से पढ़ें इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा था कि मैंने वो किताबें जब दो साल पढ़ी तो मेरे पास कुछ नहीं था जब दो महीने पढ़ी तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में चला गया तो पूरा सिस्टमेटिक सिलेबस बना वेब डिवेल्पर बनना है तो इंडिपेंडेंट पूरा वेब डिवेल्पमेंट साइकिल को समझो फिर उसके कुछ कंपोनेंट इससे सीखो उससे सीखो उससे सीखो, उस सीखो बी इन, टेक्निकली इंडिपेंडेंट पर्सन ये उम्मीदें टूट रही है आपने जो बोला ना तीन घंटे से चौथा घंटा लगे तो नलायक है ये पता है क्यों सर मुझे जो आपकी बात से समझ आई है ये उन लोगों के लिए जिनकी बेस बन चुकी है देखिए एक टेक्नोलॉजी से दूसरे पे जाओगे दूसरे से तीसरे पे जाओगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ शिफ्टिंग वन प्लेटफॉर्म टू अनदर लेकिन अगर आपकी बेस ही नहीं बनी हुई आपकी बेस ही सिर्फ पैसे के साथ बनी है तो फिर तो सर आपको छः छः महीने लगाने पड़ेंगे मुझे आ, मेरे टेक्निकल लीड ने कहा था कि यार अगर आपको कोई आके कहता है ना कि दूसरी लैंग्वेज में काम करना है तो उसको ये ना कहना है कि आई विल सी उसे कहना ओके लेट स्टार्ट हाँ क्योंकि सब सेम है ऐसे ही है एक्सपीरियंस बंदा बात कर रहा है कई सालों का एक्सपीरियंस सब सेम होता है यहाँ इश्यूज हैं ये तो ऐसे है ना कि आप एक साल से करोला गाड़ी चला रहे हैं और आपसे यार आप सिविक ड्राइव करने तो कहेगा हाँ लेट मी अ ट्रेनिंग मैं इसका कोर्स करता हूँ पच्चीस हजार महीना दूंगा <laughs>

मुझे सिर्फ उन कंपनी से प्रॉब्लम ये है कि सर वो कम्युनिटी बैक के लिए रेडी नहीं है बड़े से बड़े नाम भी ले लें वो अपने लेवल तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनफैक्ट वो इंडिया के साथ हेड टू हेड कंपीट कर रहे हैं कुछ एरियाज में बट है। वो सिखाना नहीं चाह रहे हाँ। तो अब क्या करें सर इसके उन लिए? उन कंपनी के कितने परसेंट मालिक हैं जो पाकिस्तान बैठे हुए हैं कोई भी नहीं यहाँ पे अगर हैं भी हैं तो माशाल्लाह वो बस ऐसे ही है हम अप्रिसन पे आए तो देर इज A lot that we can appreciate. लेकिन hmm. हमारे इनको ऊपर लाना ठीक hmm. तो है जो ऊपर अच्छा, है तो वो तो ऑलरेडी ठीक है अच्छा ऊपर लाना तो उसके लिए यार हम हम पेज टू पेज इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि यार हमारे लिए तीन टाइम का रोटी इतनी मुश्किल कर दी गई है बच्चे के लिए यार वो क्या करें वी मस्ट एडमिट और मैं ये भी एडमिट करता हूँ कि शायद वक्त पाँच सात साल पहले मैंने देखा था वो कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी था जितना आज बच्चा यार मुझे तो ये तो उम्मीद होती थी ना कि यार एटलीस्ट मैं आ, आ, मुझे बता यारेट करता था नहीं वर्ड में किसी को डिस्क्री नहीं करना चाहता था मेरे पास ना पैसे नहीं होते मेरी सैलरी तीन हज़ार थी तो मैं यूँ करता था कि मैं नाश्ता जो है ना लेट करता था ताकि मैं 11 बारह बजे जाता था मैं दाल पैक कराता था एक ही कराती हूँ लाल प्लाजा में हाँ ताकि एक मील मेरा हो जाए फिर उससे बच भी जाता था ना जब मैं पैक कराता था वरना तो वहाँ वापस ले जाता हुँ। हुँ। तो मैं वो रख लेता था रोटी जो बची थी वो तकिए के नीचे दाल को मैं खिड़की के बाहर लटकाता था ताकि मेरे पास कोई फ्रिज नहीं था मैं जहाँ रहता था ताकि हवा से ना हो तो जब भी रात को भी भूख लगती थोद वो तो तकिए के नीचे से वो रोटी निकाली और वो खा ली ठीक है तो पैंतीस रुपए के अंदर आपका पूरा एक दिन का मील कंप्लीट हो जाता था थर्टी फाइव थर्टी सेवन रुपीज़ मैं आपको प्रिसाइसली बता रहा हूँ <laughs> आज तो वो भी नहीं रहा ना ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही मुझे याद है मेरे पास तीन हजार बाकी बचे थे तो मैं गया एटीएम पे एनआईबी के एटीएम पे ट्रांजैक्शन करने के लिए मैंने कमांड दी पैसे काट के बाहर नहीं है होता है ना अक्सर जाता है वो वाह चौबीस घंटे थे जब मैंने कुछ नहीं कहा था घर से तो भागा हुआ था आप तकलीफ की बात करते हो ना आप लक की बात करते हो ना तो, तो नहीं उस दिन का आपका बजट एटीएम कंज्यूम कर गई खत्म हाँ, जितने थे मैंने निकाले ख़त्म ट्रांजैक्शन होगी और शायद में रोया था तो आप आप यहाँ कोई भी गएगा अरफान मलिक को अच्छा क्लाइंट मिल गया होगा हो 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 काम जो करता है शॉर्टकट नौकर बन जाएगा या वो कहीं अपने को बेच देगा अपने स्किल सेट को बेच देगा कुछ ना कुछ स्टूपिड डिसीजन कर लेगा वहां पर आपको ईमान चाहिए होता है अगर मुश्किल है तो हर मुश्किल के बाद आसानी है हमारा कुरान कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है मैंने अपना रास्ता

हाउ मैनी पीपल आर डूंग दिस शॉर्टकट 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 का दूसरा नाम मैं बताऊं ईमान की कमज़ोरी बिल्कुल ऐसी और डिजास्टर है ये डिजास्टर अच्छा अभी एआई की आजकल बात चल रही है हर चीज़ एआई 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 बच्चा एआई को सिर्फ इसका जो मतलब वाहिर टेक्निकल तो, तो बहुत डीप ये है डोमेन है बच्चा पता क्या रोना रो रहा है मेरी जॉब तो गई नहीं नहीं मेरी जॉब तो खत्म हो गई दो चीज़ें बताता हूँ पहला ये कि ए आई क्यों हो रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तान में ए आई और दुनिया में ए आई में फर्क क्या है थोड़ा फनी है पाकिस्तान में ए आई इसलिए हो रहा है कि सोशल मीडिया पे मैंने आके देखा है कि टॉपिक इन उस पर बात करना <laughs> शुरू हाँ टीम आर्टन्स भी आ गया ना वो भी शुरू हो गया ना कोई आप

किसी की जॉब ख़त्म नहीं कर रहा यार अभी हमारे मुल्क में अभी नहीं कर रहा हम क्या करते हैं जो चीज़ हमारे हक में है वो बीस साल बाद जो होनी है उसको अभी बहाना बना के रोल कर बैठ जाए अल्लाह के बंदो जो कम बीस अभी आया इतना मेच्योर नहीं है बहुत टाइम लगेगा दस साल आप जो कर रहे हैं उसको मुस्तनद तरीके से करते जाएं आपके पास इतना पैसा और मेच्योरिटी होगी कि आप नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे जॉब उस वक्त चली भी जाए जो जॉब दस साल बाद जानी है ना उस रास्ते में अभी तक हमने ये तो करना नहीं तो चली जानी है डिजाइन नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं करना है वो तो यह कर देगी कॉन्टेंट नहीं लिखना वो तो चैट जी कर देगा कोडिंग नहीं करनी वो चैट जी कर रहे हैं कुछ रोबोट कर लेंगे ठीक है अम्मा जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता ये तो सारा वो कर रहे हैं अच्छा चैट जी की अगर बात करें देखें एक चैट जी है जो एक एक्सपर्ट बंदा उससे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है एक है आप बिल्कुल थके हुए तरीके से उससे करें तो मैंने दोनों तरीके ट्राई किए हैं ऑनेस्टली थके हुए तरीके से मुझे कोई सेटिसफैक्ट्री आंसर नहीं मिला एक एक्सपेरिमेंट कर लो अपने ऑफिस बॉय को बुलाओ उसे कोई चैट जीपीटी यूज़ करके ब्लॉग लिखते नहीं कर पाएगा मैं यही बता रहा हूँ इट्स जस्ट अ कन्वीनियंस आपके पास बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए अगर आपने गाड़ी चलानी है आप डायरेक्ट टेस्ला में बैठ के ड्राइवर लेस कार चलाओगे आप ड्राइवर नहीं बन जाओगे यू हैव टू ड्राइव अ मैनुअल कार अगर आप कॉन्टेंट जनरेटर हो गो थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड देन यूज चैट जीपीडी टू मेक इट फास्टर ठीक है इफ यू आर ए डिवेलपर गो थ्रू प्रॉपर कोडिंग एंड देन मेक इट चैट जीपीडी टू कोड इट फास्टर बिल्कुल ठीक है तो सिस्टम से आए और उस टूल को एज ए टूल यूज़ करें ठीक है हम लोगों ने चैट जीपीटी के कोर्सेज इस उम्मीद के साथ लोगों को दे दिए हैं कि जो कंटेंट एक

कर दिया जिसके बाद 2021 के बाद 2022 का डेटा डेटा चैट जीपीटी के पास नहीं है अपडेटेड नहीं है अपडेटेड नहीं है मोस्टली ठीक है उसके बाद जो चैट जीपीटी के अल्गोरिदम्स हैं जिनमें चार अल्गोरिदम होते हैं डवंची एडा क्यूरी एंड hmm. एक और है तो चारों जो एल्गोरिदम्स है, है वो भी चैट जीपीटी के पास नहीं है जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के साथ टेन बिलियन की अंदर मैं ट्वेंटी सिर्फ कैश लिएसेंट अमाउंट की कंप्यूटेशनल पावर है अच्छा अब वो कंप्यूटेशनल पावर इनको मिली उसके बाद इनके शुरू हो ना शुर। वो कंप्यूटेशनल पावर जो सारी दुनिया के बाढ़ पीछे रह गया hmm. बाढ़ के पास पहले से है hmm. तो कॉम्पिटिशन पावर में गूगल एक कदम आगे है चैट जीपीटी से जहां माइक्रोसॉफ्ट ने आके उनको सपोर्ट किया है एट्टी परसेंट ऑफ टेन बिलियन की कॉम्पिटिशन पावर देकर ठीक है ताकि ये लोग खड़े हो मैं आप भी प्रिडिक्ट कर रहा हूं बाढ़ ने बहुत आगे निकल जा रहा वो तो चल रही है न्यूज़ अभी अभी तो सारे <laughs> उसके खिलाफ है ना मैं आपको बता रहा हूँ अभी बता रहा हूं बता रहा हूँ चैट जीपी स्ट्रगल करेगा कॉम्पिटिशन पावर पे बिल्कुल <laughs> क्योंकि लीस्ट कम्पिटेशन पावर है हाँ जी है ठीक है क्या? दो तीन चार डिफरेंट स्टेक्स शामिल है गूगल मैं यही कहता हूं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को फ्रॉम द सरफेस ना देखो जब तक आप बैकेंड पे जाकर समझेंगे नहीं कितने लोगों को पता कितने है, कितने हैं कितने मॉडल्स हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हो मेरे लास्ट तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो चार जीपीडी के अंदर वेरी नाइस लेकिन मैं उनमें चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट नहीं कर रहा चैट जीपीटी से कुछ नया बना रहे हैं हम बिल्कुल सही और बहुत जल्दी मैं डेमो दूंगा आपको क्लाइंट से परमिशन लेके वेरी नाइस वेरी नाइस देखिए इसी चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम वीडियोस में ये बताएं कि चैट जीपीटी यूज़ कैसे होता है या एक ए टूल को यूज़ कैसे करना आजकल तो नाइनटी वही चल रहा है ना हमें फोकस करना होगा कि डेवलपमेंट की तरफ आए बड़े आइडियाज की तरफ आए देखिए हमें अपनी कैनवस रिफार्म भी बड़ी करनी होगी कैनवस ना कैनवस सर कैनवा नहीं कैनवा तो कर दिया हमने कैनवा से तो एक लाख रुपया कमा लिया पूरे पाकिस्तान ने आज़े. हमें कैनवस बड़ा करना होगा अपनी सोच का जिस दिन हमारी सोच बड़ी हो गई ना यकीन कीजिए आपने पहले भी एक बात की सर दुनिया का तीसरा या चौथा मुल्क है ये जिसकी आबादी सिक्सटी से ज़्यादा थर्टी थर्टी फाइव की ब्रैकेट में है सर ये इतनी बड़ी गोल्ड माइन है हमारे पास कि अगर इसकी समझ लग जाए ना हमारे बच्चों को तो हम खा पी जाएंगे सर दुनिया को मैं आपने मुझसे इतना ज़्यादा सवाल किए एक सवाल अब आप मैं आपसे कर कैलकुलेशन करके जवाब दे दीजिएगा मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा सब आई एम टेकिंग दिस पॉडकास्ट टू मी नाउ ठीक वेलकम नईम साहब टू माई पॉडकास्ट सॉरी वेलकम मुनीर साहब टू माई पॉडकास्ट आप मुझे एक बात बताएं इमेजिन करते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा एक दो लाख कमा रहा है हर बच्चा ठीक है तो एज ए रिजल्ट पाकिस्तान के पास बहुत पैसा हो गया तो सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो सारा पैसा आया है वो करप्ट और नालायक लोगों की जेब में आया सही। क्या उनको ये पैसा खाने में तकलीफ होगी क्या कोई भी अमाउंट इतनी बड़ी हो सकती है कि उसको खाया ना जा सके तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा हमारा मसाला मसला हल करेगा नहीं सर हमारा मसला आपको क्या ही आपको लगता है कि हमारा मसला पैसे की कमी नहीं है क्योंकि पैसा तो अल्लाह ने पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत दिया है मादनियात की सूरत में हमारे जियोग्राफिकल पोजीशन देखो तो इसका मतलब ये कि हमें एजुकेटेड लोग हमारे सरों पर चाहिए तो नीचे से अगर हम लोग एजुकेट करके डिसीजन मेकिंग पोजिशन पर बिठा दें तो जो भी हमारे पास पैसा है तो मुल्क तो इसी में भी चल जाएगा अगर घर का सरबराह समझदार हो तो वो कैसे प्लानिंग करके बचत करके अपने घर से दो घर बना लेता पूरी है पूरी लड़ी सबर जाती और घर का सरबला शराबी और चरसी और जुआ खेलता हो तो पूरी लड़ी बिगड़ जाती है हर चीज बिक जाएगी ऐसे ही हर चीज खा जाएंगे तो क्या एट द एंड ऑफ द दिस कन्वर्सेशन क्वेश्चन ये क्या दो लाख एक लाख रुपया महीना हमारा सोल्यूशन है नो no. तो फिर बत्ती के पीछे लगा के हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपने मुल्क सर बत्ती भी मैं कहता हूँ लगा लें यार बत्ती चलने तो दें कभी कभी बत्ती बुझा देते हैं, हैं जला लेते उसको, तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा बच्चा तो अंधा होता है ना थोड़ा उसको नजर आता है, बत्ती बंद कर दी और स्पार्क मारता है फिर बत्ती बंद कर देते हैं तो बत्ती चलने दे मैं कहता हूँ बत्ती एक, सही एक, चलने एक्सपेरिमेंट हम इतने कर रहे हैं बट एनी हिदायत दे कड़ी बातें बर्दाश्त नहीं होती फिर मुझे आते हैं मैसेज साहब रखा करो आप कुछ कुछ सीनियर हैं जो मेरे बहुत ना करीब हो गए हैं जब से मैं सोशल मीडिया पे आया मैं उनकी बात बहुत सुनता हूँ तो मुझे मैसेज कहते हैं कि इरफान साहब ना रगड़ा लगाया करो <laughs> तो आप जब भी मैं पॉडकास्ट पर रगड़ा नहीं लगा देखिए मैं इसको ना रगड़ा नहीं समझता ये जो आज जितनी आपने बातें की ना इसमें से काफ़ी सारी बातें मुझे भी देखें ये क्यों होती हैं मैं इसकी हमेशा पहले भी बड़ी दफ़ा बात की है इरफान भाई ये सर दो लोगों को होंगी तीसरी इसमें कैटेगरी मुझे आज तक नज़र नहीं आई सर अपनी लाइफ में दो कैटेगरी हैं पहली कैटेगरी वो जो बाहर रह के आया है दूसरी कैटेगरी वो जो बाहर जाता है सर हमें दुख होता है दिल जलता है कि यार एक रेत के अंदर उन्होंने देखे क्या चीज़ खड़ी कर दी एमरे एयरलाइन को किसने बनाया ने? पी आई पी आई ने तो पी आई आज कहाँ है ठीक है सिक्सटीज में पी आई ए को सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ पी आई ए को दुबई एयरपोर्ट पे उस पर रन वे जाने से रोक दिया जाता है कि अभी बिजी है जी ऊपर ही घूमते रहे आप

हमने नहीं, कराची नहीं, को वैसे ही अलग अलग ये तो सर नहीं खत्म होने इस पे तो ऐसे ही सर अच्छा अभी तो एक दो चीज़ ऐसी बताएं या हमारे जो सुनने वाले बच्चे हैं उनको इस इस जो टॉपिक को मैंड करते हैं कोई एक दो ऐसी टेक्नोलॉजी एआई से रिलेटेड या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसमें आप चाहते हैं कि बच्चे आ जाए तो उनको एटलीस्ट एक रोड मैप मिल जाएगा कोई एक दो ऐसी टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो मैं बात करूंगा ना वो ये है कि आप जो कर रहे हो वाप करते रहो चाहे वो कैनवा है चाहे वो वर्ड है चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उतना करो जितना आपकी तीन वक्त की रोज़ी निकलती है उसके अलावा अपना टाइम इन्वेस्ट करो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक चेन ए के अंदर चाहे आप टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल उसके कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है और मैंने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं सही नाम भी चैनल का ताकि बच्चे इरफान मलिक सपर... के नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पे मेरा चैनल आ जाएगा उसके अंदर उस दस लेक्चर्स को देखने के बाद आप दुनिया का कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे किसी का भी लेक्चर सुनेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है उसके बाद ए और इन इनके कॉन्सेप्ट को समझें कि ए कैसे ऑपरेट करता है फिर आप ख़ुद डिसाइड करेंगे कि विद इन ए आई देर आर मल्टीपल फील्ड्स आप डीप लर्निंग में जाना चाहते हो आप एन में जाना चाहते हो आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो या आप ए में जाना चाहते हो ए आई इट सेल्फ विद डिफरेंट मेन थोड़ी ओवरलैपिंग होती है एट टू नाइन डिफरेंट करियर निकलते हैं ब्लॉकचेन से आप एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस भी निकल सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर निकल सकते हो कंसल्टेंट निकल सकते हो लॉयर्स निकल सकते हो डिवेल्पर निकल सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लीस्ट बना सकते हो डी एप्स पे लीस्ट बना सकते हो कब होगा हो 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 जब माइक्रोनिश जब होगा हो हो इस तरह हम डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं ना हुँ। जैसे ब्लॉक चेन में भी ये ब्लॉक चेन का बंदा है वो नहीं जैसे मेडिकल के अंदर आपके पास पीड्स के लोग हैं सर्जन हैं मेडिसिन के हैं गायनी के हैं बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से बाजू का पता भी नहीं होता उनको हुँ. ठीक सिर्फ है सिर्फ नॉलेज होती है सेम इज द केस इन ब्लॉक चेन एंड सेम इन एयर हम इनको बाहर से बैठ के देख रहे हैं तो अपना थोड़ा फ्री टाइम निकाल के इन चीजों के अंदर कंसिस्टेंटली घुसें एफर्ट करें जो कल आपके काम आएगी जब दुनिया बदलेगी आप एटलीस्ट वहाँ गाड़ी निकल चुकी हो और हम पीछे से हाथ पकड़ के वन हाथ पकड़ने जो के रह जाएंगे ना कि गाड़ी निकल चुकी हो आप दूरबीन से देख रहे हैं आप तो देर होगी दूसरा ना मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो की हद तक सोचना नहीं है हाँ सर अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग का वो पाकिस्तान का पहला ब्लॉक चेन बेस्ड प्रोजेक्ट था जिसकी ए टू जी ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट हुई और उसके उन्होंने फिर डिजिटल मार्केटिंग हमसे करवाई अब देखिए इस तरह के प्रोजेक्ट हो रहे हैं हमारा क्या है अच्छा जी आ, इथिलीम ऊपर चला गया सोल नीचे चला गया ठीक है यही ऊपर चला गया ये नीचे हम इसी को ही ब्लॉकचेन समझ के बैठे हैं मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट करो जिस बंदे ने पहले वो दस से पंद्रह लेक्चर देख लिया ना उसको बहुत डिपेंड करती है, बिल्कुल है ठीक है? है जब आपको समझ आ जाएगी कि कौन से कंसेंस अलगोरदम यूज हो रहे हैं कौन से मॉडल्स यूज हो रहे हैं क्या हो रहा है तो आने वाले वक्त में सिक्योरिटी और कंप्यूटेशनल पावर कैसे चेंज होगी तो आपको एक

जितने पहले दो टॉपिक दुखी थे उससे भी ज्यादा दुखी टॉपिक है क्यों नहीं हो पा रही सर क्यों नहीं हम एंटरप्रन बना पा रहे क्यों हम सिर्फ नौकर बना पा रहे हैं एक सेकंड दे, 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 एक सेकंड अब ये वही बात है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बेशक ना काटें ऐसे दिस इज एग्जांपल मैं हर वक्त एक्टिव हूँ अपनी क्वालिटी चाहे मैं आपके साथ बैठा चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने काम को कभी इग्नोर नहीं करता और इसलिए मुझे पता था कि कितने बजे मुझे कितने मैसेज की वजह से रिस्पेक्ट है ना उस काम की वजह से आज यहाँ पे अदरवाइज तो वजह बताऊँ इसलिए नहीं कि इसने मैं नहीं करूँगा तो मुझे पैसे नहीं देगा क्योंकि मेरा चार साल पुराना क्लाइंट है चार साल पहले इस क्लाइंट ने मुझसे वादा लिया था इरफान के यार यू विल बी माई ओनली टच पॉइंट अच्छा मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से बात नहीं करूँगा ठीक है और मैंने इसे कहा था कि यार मैं जो मर्जी हो जब मैं आई वॉन्ट लेट यू डाउन सही है 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 क्योंकि एक एक था अब लोगों के साथ काम कर रहा 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 फिर भी मैं मैं इसको उतनी ही आज value दे दे मुझे पता है कि इसका एक role है मेरे उसके अंदर मैं उसको respect दे रहा हूं। तो ये क्लाइंट की वजह से नहीं है एथिक्स की वजह से है जब है, आप एथिक्स की वजह से काम करते हो तो बरकत पड़ पर जाती मैं है मैं अपने पूरे आपने मुझे भी टाइम दिया हुआ था लेकिन आपने बोला कि कि यार वो क्लाइंट और मैंने मैंने भी आपको, याद किया। किया। मैंने आपको मैं दस पंद्रह दिन पहले बोल दिया लेकिन अगर आप मुझे <laughs> दो बजे के बाद बुला रहे हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है ऐसे ही है। नहीं, नहीं, नहीं मुझे अच्छा लगा वो चीज़ के जिसकी वजह से हमारी रिस्पेक्ट है ना पहले उसको रिस्पेक्ट देनी है तब आपको आगे रिस्पेक्ट मिलेगी अपने सोर्स ऑफ इनकम जो अल्लाह अल्लाह बनाता है बेशक है उसकी इज्जत जरूर बेशक ख्याल रखोर क्यों नहीं बन रहे क्यों सबसे बड़ी वजह ना बनने की दो है अवेयरनेस ये भी सेकंड नंबर पर पहले नंबर पे वो पैनिक अटैक वो अनसर्टेनिटी वो मंथली बिल्स वो डर वो खौफ है ठीक है वो हमें जकड़ के रखा हुआ है हमें जकड़ दिया गया है हाँ जो है वो आपसे डिमांड करती है सबर विजन पेशेंस <laughs> जो हाँ। तो वो आपसे डिमांड ये चीजें है करती है। और ये रहा नहीं हमारे अंदर दूसरा बड़ा मसला फिर तकलीफ दे बातें आ जाती हैं फिर दूसरा मसला ये है कि जो लोग एंटरप्रेन्योर्स पढ़ा पढ़ा रहे हैं वो नाइन टू तो सिक्स जॉब कर रहे हैं <laughs> <laughs> कहाँ <laughs> से लाए सर कहाँ से लाए कहाँ से रूल बना रूल बना दे पहले भी रिकमेंड कर चाहूँगा आपके चैनल पर भी दे रहा हूँ अगर कोई देख रहे हो तो शेयर कर दे गवर्नमेंट को चाहिए कि रूल बना दें कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ानी है पहले जाएं अपना स्टार्टअप खड़ा करके कामयाब बना के ये स्टैंडर्ड अचीव करें फिर आके पढ़ें और फिर जब आप आएंगे उनको डबल पैसे दें और वो इतने एंटरप्रेन्योर्स निकालेंगे ना तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा ऐसे ही है लेकिन कोई कैसे किसी को कारोबार स्केल करना सिखा सकता है कि यार जब उसको पैसे यूट्यूब से चाहिए हो या नाइन टू तो फाइव जॉब की सैलरी में चाहिए हो कैसे सिखा सकता है, ही है। क्योंकि एंट्रप्रीनरशिप इज समथिंग जिसके अंदर एक एक चीज मैटर करती है इतनी बारीक चीजें होती हैं कि जब तक आप गुजरोगे नहीं रगड़े नहीं खाओगे गिरोगे नहीं उठोगे नहीं फेल नहीं होगे आप समझ ही नहीं सकते एंटरप्रिनशिप एक स्टोरी नहीं है ये एक किसी डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं है मैं आपको समझाऊंगा वहां से राइट होना वहां से लेफ्ट होना इधर होना इधर होना, होना वहां पहुंच जाओगे हम तो एंटरप्रीनरशिप ऐसे सिखाते हैं मुझे लगता है भाई बिजनेस के अंदर ना ये वर्ड सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, चीज़ owner, है।, 24 है ये। सर मैं कहता हूँ देखें आपको बिजली का बिल आपके बल्ब जल गया जनाब आपके स्विच फट गया मोटर पानी नहीं दे रही आपके जी एल डी ए LDA वाले आ गए आपके ये फलाणा आ गए ढमकिन ये सारी चीज़ें जो है ना सर जब तक ये रगड़ा नहीं लगेगा आपकी सैलरीज कैसे टाइम पे जानी है इस चीज़ की पेन लेना कि भाई आपकी सैलरी टाइम पे आपके इंप्लॉइज़ को जानी चाहिए आपके क्लाइंट आपको पे कर रहा है या नहीं कर रहा ये पेन समझने के लिए मेरा ख्याल आपको जो है आपको, एक अच्छी खासी लर्निंग चाहिए मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि मैंने ट्वेंटी थ्री डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की क्यों क्योंकि मैंने अपना स्टार्टअप बनाना था तो अगर आपने इंटरप्रीनर बनना है ना जिस फील्ड में भी जाना है आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स साथ में मल्टी स्किल्स टैलेंट होना चाहिए ऑफिस बॉय भी मैं था मैं कैसे बना आपको अपने एक रूटीन बनाता हूँ होता ये था कि सर सुबह उठता था फजर के बाद ना सफ़ाई करके टॉयलेट साफ करके वो सारा कुछ साफ़ करके दो चार लोगों ने आना होता था ना पहले पूरी सफाई करता था मैं फिर मेरी टीम आ जाती थी वो आती थी आगे सी बैठा होता था तैयार होकर शाम को वो जाते थे सारा दिन उनको हेल्प आउट करते रहता था ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव काम सारे शाम को वो जाते थे कोडिंग करने बैठ जाता था सही ठीक है रात को फिर वो सारा कुछ समेट कर डिलीवरी करके सुबह फिर से वही करता था मैं एडमिन था मैं ऑफ़िस बॉय था मैं बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर था सोशल मीडिया का मैनेजर <laughs> था डेवलपर था डेवलपमेंट में भी फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर और सर्वर साइड भी मैं खुद करता <laughs> था ये सारे स्किल सेट खुद करता था इन शॉर्ट अगर आपने सॉफ्टवेयर हाउस पर्टिकुलरली खड़ा करना है तो आप हर चीज़ का बैकअप खुद ही हो बिल्कुल है। आपको पता होना चाहिए कि आज अगर दस लोग आपको छोड़ देंगे तो आप इन दस को काम आप खुद संभाल सकते हो लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अच्छे बंदे लाऊंगा वो प्रोजेक्ट करेंगे पैसे आएंगे फिर और पैसे लगा के और बंदे लाऊंगा वो और प्रोजेक्ट करेंगे और पैसे आएंगे इट्स इट्स नॉट नॉट दैट दैट सिंपल सिंपल यही स्टोरी <laughs> तो मार देती है ठीक <laughs> है कि आपको खुद <laughs> अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे बिल्कुल <laughs> ऐसे ही ठीक है।, है और एंटरप्रीनरशिप तो इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस सॉफ्टवेयर हाउस मल्टी ये तो एक बहुत बड़ी चीज है इसके लिए सिर्फ आपको अच्छे मैंटोर्स और सबर और थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्यूरियोसिटी की जरूरत है क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी के बारे में मैं कहता हूँ कि यार अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैं अभी देख रहा ये आपके सामने ट्रे में बड़ा हो किसी ने ये सोचा कि इस तरह का बिस्किट के लिए ट्रे बनाना चाहिए हुँ. किसी ने बनाया किसी ने बेचा और आपने खरीदा खरीदा तो क्यूरियोसिटी है तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस तरह का तो मैं भी बनवा सकता हूँ दैट्स क्यूरियोसिटी आप इर्द गिर्द देखेंगे आप क्या कर सकते हैं हमारे यहाँ क्यूरियोसिटी क्या है हम सिर्फ ये देखते रहते हैं सैलरी कब आनी है यार आईफोन कितने का हो गया फैटसी चीज़ें फैंटसी चीज़ें कोई प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं है जिसके ऊपर जो है ना एक दूसरे को रोल मॉडल बनाए तो मे बी वी नीड टू चेंज आवर सिस्टम टू क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स इन सोसाइटी अच्छा उसके लिए आ, आप क्या समझते हैं कि इसमें हम देखें ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाकी जो हमने सारी चीज़ें बात की ना उसमें आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं ये एक वाद चीज़ है जिसके अंदर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेवल पे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इंस्टीट्यूशंस की तरफ से प्लस यूथ जो है उसको सारा एक आपने बड़ा कैनवस दिखाना है और उसके ऊपर सबको ला के इकट्ठा करना है तभी मेरा ख्याल है इसमें कुछ हो सकता है क्योंकि ये एक ऐसी डोमेन है इसमें अकेले एक दो लोगों की एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला मैं मैं आपको बताता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको जो बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा जो मैंने यू में देखा मैं अब अनाउंस नहीं करना चाहता यहाँ पर लेकिन मैं बेसिकली यू गवर्नमेंट से कुछ है? हो गया है मेरा अलहदुल्ला मैं कुछ चीज़ें अनाउंस नहीं करना चाहता और वो जो उन्होंने मेरे लिए किया है यही हमें अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए करना है सही? कि स्पोर्ट देनी है सिस्टम देना है और उनको बताना है कि आप आए ये करेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे और यहाँ हम आपको सपोर्ट देंगे ठीक है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वरना एंटरप्रेन्योर बहुत बनेंगे लेकिन करेंगे बाहर जाके ऐसे ही बिल्कुल ऐसी मैं ही। आपको सही बता रहा हूं। मेरा पहला आइडिया अब कॉम्प्लिकेटेड है एनियो बता दे इतनी बातें कर दी ये 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 अच्छी अच्छी हो करते नहीं चाहिए ये, ये लीथल हो जाएगा थोड़ा नहीं, एक काम मुझे घुमा के कर ले बात मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ पर जब मैंने जॉब छोड़ी और फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मैंने पहला ही अपना आईडिया बनाया चोरी हो गया वेरी नाइस वो चोरी उन लोगों ने किया जो रिस्पांसिबल थे मुझे सपोर्ट करने के कमाल कर दिए जरा इतना घुमा सकता हूँ <laughs> सही हो गया लेकिन उससे आप रुके तो नहीं ना गिरा तो सही कोई बात नहीं सब गिरना सवाल, तो देखे। सवाल ये है कि गिरने के बाद जब मैं उठा फिर वही काम मैंने पाकिस्तान के लिए तो नहीं किया ना वो तो दुबई के लिए चला गया लेकिन यहाँ पर ये सोचिए फान भाई जिन्होंने आपका आइडिया चोरी किया क्या वो उठे उनको उन्हें? निकाल दिया गया सर यही मेरा पॉइंट है उन्होंने आपको ऐसे की की फिर, 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 फिर ही फिर। फिर फिर है, तो फिर, है फिर मैंने देखा कि आग उनको भी लगी तकलीफ में आज वो भी है सही है तो इसके लिए सर क्या करना चाहिए बच्चों को बच्चों को मैप क्या देखें ठीक है ये सपोर्ट ये सारा बिजनेस कम्युनिटी की हेल्प सारी चीजें होनी चाहिए बच्चा बेचारा क्या करे फिर वो तो चढ़ा हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर के हाथों बच्चे को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा बच्चे को सी थ्रू करना पड़ेगा बच्चे को देखना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है उसने खुद क्या अचीव किया बच्चे को अपनी सेल्फ लर्निंग पे काम करना पड़ेगा बच्चे को अपने माइंड सेट पर काम करना पड़ेगा बिलीफ चेंज करने पड़ेंगे कि यू कैन डू इट अलॉन् विद द हेल्प ऑफ अल्लाह बिल्कुल यू डोंट नीड इरफान मलिक यू डोंट नीड एक्स वाई वाइजी यू डोंट नीड एट ऑल यू डोंट नीड माई पर्सनल वन टू वन गाइडेंस नो आपको हल्की सी डायरेक्शन चाहिए अल्लाह ने आपके अंदर बहुत कुछ रखा है आप किस बंदे से डायरेक्शन मेरे से आके लोग काउंसलिंग मांगते किस बंदे से मांग रहे हो यार जिसने कभी कोई मैंटोर नहीं देखा जिंदगी शक्ल नहीं देखी अगर आपके लिए मेरे से अगर कुछ सीखना है ना मेरे से मेरी जात से कुछ सीखना है तो ये सीखो कि यार अल्लाह जब देने पे आता है तो कहीं से भी और किसी को भी दे देता है यू डोंट नीड एनी वन एल्स बिल्कुल एनी डोंट फॉलो मी एक अच्छी चीज हुई है जहाँ हमने इतनी बजाई है बैंड इनकी आ, कोर्स सेलर्स की और इनकी एक चीज़, चीज़ अच्छी हुई है भाई पहले पता क्या था ये भी दगड़मगड़ कोर्स बना रहे थे जब से इनको पता चला है ना कि यार हाँ ठीक है यूट्यूब फेसबुक अब हमें भी थोड़ा सा कमाने का मौका दे रहा है ये भी थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गए हैं सर आज का बच्चा देखें आपके दौर में मेरे दौर में ट्रसनी मुझे याद है मैंने छः छः घंटे पाँच पाँच घंटे की वीडियोस देखते थे एंड पे पता क्या निकलता था पाँच मिनट का क्रक्स आज आपको यूट्यूब हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो यूडमी हो या कोई भी हो स वो पाँच मिनट का क्रक्स की ही वीडियो पड़ी हुई है अब एक और नया कॉन्सेप्ट बल्कि मार्केट में स्टार्ट हो गया कि माइक्रो माइक्रोनिशिज़्स के कोर्सेस बना दिए फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है बहुत बड़ी डोमेन है यू कैन नॉट लर्न इन वन डे और टू डे अब क्या किया उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अच्छा फेसबुक की कैंपेन बनानी है लें जनाब पाँच घंटे का इसका या दो घंटे का तीन घंटे का कोर्स बना दिया सर बच्चे के पास रोड मैप तो है आज रोड मैप मैपेक्शन चाहिए एक प्रॉब्लम हो रहा है यार मैं आपके चैनल पर वही बताता बताओ इट सर पेनफुल थैंक इसको भी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तक पहुँचे और आप लोग जो सुन रहे हैं इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ फ़ायदे की बात कर रहा हूँ ऑल दो के बहुत से लोगों को तकलीफ होने वाली है वो ये है कि मैंने देखा कि कोई बंदा आ, कोर्स लॉन्च कर रहा है किसी ने कहा कि आओ मैं आपको फिलेट मार्केटिंग सिखाता हूँ एस सिखाता हूँ पाइथन सिखाता हूँ नेट सिखाता हूँ नारा सिखाता हूँ वर्ड सिखाता हूँ मैं किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहा मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी आप अपना कोई कोर्स लॉन्च करके मीडिया पे अनाउंस कर रहे हैं वो उस इंडस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर से पहले अप्रूव करवाएं ठीक है अगर आप लॉन्च करने जा रहे हो डॉट नेट फाइंड सममन लॉफ उसक वो आके आपको सर्टिफिकेट दे के आपका कोर्स जो है ये अप टू द मार्क एंड स्टैंडर्ड है right. इस पर बच्चा अपनी जिंदगी का साल अपनी उम्मीदें अपना पैसा ज़ाया नहीं कर रहा और वो लोग कौन करेंगे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर ऑनर्स जो हैं जिन्होंने अचीव किया हुआ कुछ उनको पैनल बनाएं वो पैनल क्या करेगा कि अगर मेरे जैसा कोई न... एरा गरा कोर्स लॉन्च कर रहा है तो सबसे पहले मैं उस पैनल को अपनी वीडियोस भेजूँ पैनल वो वीडियोस के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और कंटेंट की प्लानिंग एंड डिलीवरी एंड क्वालिटी देखे और देखे कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूं वो सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा वो मुझे एक सर्टिफिकेट का अप्रूवल दें और जब मैं कोर्स लॉन्च करूँ तो वो सर्टिफिकेट अपने थम में डाल के करूँ ताकि दुनिया को पता चले कि जो मैंने रिकॉर्ड किया कि अब क्या हो रहा है कि पच्चीस हज़ार मैं एक बंदा उठाता हूँ और उसे कहता हूँ कि पचास वीडियो रिकॉर्ड कर दे और उसको मैं कहता हूँ कि लॉजिक कोर्स मैंने फ्री

हाओ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और इस चेक एंड बैलेंस की वजह से हमारे बच्चे रुल रहे हैं आप इमेजिन करें यार अगर मैं छः महीने और अपना सब कुछ बेच के लगाने के बाद पता चलता है कि मैंने गलत किया मेरे पास पैसे नहीं मैं तो स्ट्रीट क्राइम पर जाऊँगा ना मैं तो फ्रस्ट्रेशन में किसी के कान पट्टी में पिस्टल रखूंगा किसी के गले पर चुरी रखूंगा ना क्यों क्योंकि भाई मैं अब फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ किसी ने मेरे से धोखा किया है ऐसा होगा ना तो गवर्नमेंट के लिए क्या मुश्किल है यार एक एक सर्कुलेट निकालना है सॉफ्टवेयर हाउसेस को एक पैनल बनाना है और कह देना अगर कोई बंदा उस पैनल के सर्टिफिकेट के बगैर कोई टेक्निकल कोर्स लॉन्च करता है उसका चैनल बंद करने की पूरी सलाहियत है सर, रिपोर्ट करने की ऑप्शन डाले सर, नहीं हो नहीं होगा तो छितर बढ़ेंगे आखिरत में करने वालों को भी और छोड़ने वालों को इरफान भाई सत्तर बहत्तर साल में हम लोग अपनी बेसिक करिकुलम जो एजुकेशन का जो कॉल्ड हमारा ताली निज़ाम है सर हम वो नहीं कर पाए खान साहब ने भी किया था लास्ट कि एक करिकुलम पूरे पंजाब में आज मैं अपने बच्चे के एडमिशन करा के हूँ सर कोई चक्कर ही नहीं है सर कहते हैं, जी हमारी आ, अपनी बुक्स है हम नहीं फॉलो करें जो आप कह रहे हैं ना उसका नुकसान बहुत अरसे बाद आना है बहुत बड़ा आना है हो भी चुका है लेकिन जो इस वक्त हो रहा है ना वो हर रोज नुकसान हो रहा है जिसका कनेक्शन डायरेक्टली स्ट्रीट क्राइम के साथ है डायरेक्टली आपके अंदर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है वो उसके साथ है क्यों क्योंकि हम सिर्फ खानापुरी की खातिर काम कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही तो दिस इज़ वेरी पेनफुल मुझे कॉल आई ठीक है कि फला जगह हमें बंदा चाहिए जिसने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे कंटेंट रिकॉर्ड करना और ये इदारा सम हाउ कनेक्टेड था गवर्नमेंट से अब ये इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो जो आएंगे मैं उसको दे दूँगा जब मैंने पूछा कितने पैसे दोगे उसने ऐसी अमाउंट बताई ना कि मेरा दिमाग हिल गया कि यार इस अमाउंट पे कंटेंट रिकॉर्ड करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको तो आप कॉम्पिटेंट कैलेबर का बंदा ढूंढ के लाओ क्वालिटी कंटेंट रिकॉर्ड करो उसकी वैलिडेशन वेरिफिकेशन एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से करवा के सर्टिफिकेट लेके एक क्वालिटी तालीम बच्चे को दो हुँ. अगर वो बच्चा कुछ बेच के अपना पेट काट के वो क्वालिटी तालीम ले रहा है तो आपका हक है वो पैसे लेना पेड कोर्स बेचना बुरी बात नहीं है पेड कोर्स सस्ते और लो स्टैंडर्ड के कोर्सेज को पैसे दे के बेचना बुरी बात है क्योंकि इसमें से आप उसका पैसा नहीं उसकी उम्मीदें तोड़ रहे हैं उम्मीदें उसका करियर है उसका करियर तब यहाँ कर पे बात रुकती नहीं है ना बात इससे आगे चलेगी अभी एक नई दौड़ मार्केट में चल रही है कि बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं अपना नाम यूज़ कर रहे हैं बच्चों को इनरोल कर रहे हैं ही इज़ और शी इज नो इन द कोर्स सिर्फ इंडक्शन कोर्स वो खुद करा रहे हैं बाकी आगे उनके बच्चे मैं यही तो कह रहा हूँ उन्हीं के स्टूडेंट्स में से कोई आगे फिर ट्रेनर बना हुआ है तो सर देखे ना आप इरफान साहब के नाम पे एक बच्चा आता है मैं मिसाल के तौर पर आ, हाँ। आ गया मैंने तो इरफान साहब के नाम की वजह से कोर्स में एडमिशन लिया आगे पता चला जी मुझे तो एक्स वाई जी पढ़ा रहा है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना मैंने एक रिकॉर्ड की है मैं पूछता हूँ कि आप लेट्स एक अपना क्लिनिक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं बट यू आर नॉट ए डॉक्टर तो आप पहला डॉक्टर कैसे हायर करेंगे कैसे मेक मेकश्योर sure करेंगे कि वो डॉक्टर जो है वो क्वालिटी का डॉक्टर है या नहीं है चले आपने उसकी सीवी के, के तुक्का लगा के कर लिया तो ये कैसे मेक मेकश्योर sure करेंगे कि वो क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहा है क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी रीच से बाहर है आपके पास तो सिर्फ पैसा है तो आपका हक हाँ ही नहीं बनता हाँ बिल्कुल तो आपका तो हक हाँ ही नहीं बनता ये आपका तो आप अपनी डोमेन में रहकर जो मर्जी करना है करें लेकिन आप दूसरी डोमेन में से पैसा कमाने क्यों घुस रहे हैं ये प्रॉब्लम है तो हमारे मुल्क में गाइडेंस से ज़्यादा लोगों को मिसलीड किया जा रहा है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और क्राइम रेट आपका अल्टीमेटली बढ़ रहा है बिल्कुल सही। मैंने अगर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं ना आपने यूट्यूब पर डाले हैं जो बच्चे मेरे पास आके डिलीवर किया मैं लिटरली मैं आपको पिक्चर और वीडियो भेजूंगा मैं रात ऑफिस की टेबल के नीचे सोता था सारा कंटेंट अपने सामने बैठ के रिकॉर्ड कराता था अच्छा ये उन लोगों से रिकॉर्ड कराया जिन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं जिन्होंने क्लाइंट सेटिसफाई किए हैं और वो चीजें रिकॉर्ड करवाई जो सॉफ्टवेयर हाउस में चाहिए यार लिए। दुख की बात यह है सिर्फ तेरह लोग और उनमें से भी तेरह सौ भी नहीं होंगे जो उससे फायदा उठा रहे हैं ऐसी है, ऐसी है। यार और एक और बात सीरियसली अब ये नहीं कर रहे कुछ शेयर करें यार मुसलमान तो है ना अगर आपको पता है कि एक जगह एक चीज पड़ी जो मुसलमानों के लिए फायदा मंद है उसको उठा के सिर्फ आप इसलिए शेयर नहीं कर रहे क्योंकि हैं प्रॉपर्टी आपके 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 नहीं है <laughs> वो आपकी दुनिया नहीं आपने खरीदे नहीं है वो, वो आपके पास अमानत है उन तक एजुकेटेड कंटेंट जहाँ से भी आ रहा है पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है सर आपके करीबी दोस्त नहीं करते हैं नहीं करते, नहीं नहीं करते बिल्कुल नहीं करते बड़े बड़े नहीं करते अगर ये एक अगर सच्ची चाहत होती और मैं साबित कर देता हूँ लिए पर मैंने डाली है यार उसको उठा के तो वो तो एक दिन के अंदर करोड़ों लोगों तक पहुंचानी चाहिए क्यों नहीं पहुंच रही इसके मंदिर हमारे अंदर चोर है नहीं गलत बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है आप कहते मुझे प्रूव कर दे क्यों चोरों को पैसे दे रहे हो ये इतना बच्चों के लिए समझना मुश्किल है चले सर ये तो एक ऐसी कड़वी वो हकीकत है कि क्या बोले इस पर क्या बोले? दिल दुखता है कुछ नहीं है पॉडकास्ट पॉडकास्ट रुक जानी वरना तो मैं नहीं बहुत कोई नहीं <laughs> क्यों रुकेगी सर हम तो सच्ची की बातें करो सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे हम कोई किसी के अगेंस्ट तो यहाँ बात नहीं कर रहे हम तो एक नेचुरल डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई कैसे इस तेईस करोड़ चौबीस करोड़ बल्कि मैं कहता हूँ कोविड के बाद तो पच्चीस ही हो गई होगी इस पच्चीस करोड़ अवाम को कैसे उठाना है यकीन करें कि आप ग्लोब के ऊपर देखें ना हम एक डॉट बराबर नहीं है फान भाई नथ डाली हुई है पूरी दुनिया को हमने वो अलग बात है नेगेटिविटी में डाली है लेकिन नथ तो डाली हुई है ना सर वो भी मैं आपको बताऊँ अब लंबा ना हो जाए वो भी हमने अब नहीं डाली हुई हाँ। ये हमारा पास्ट है बिल्कुल ये हमारा पास्ट है जिसने हमें कहीं प्लेस कर दिया हम तो गिरते आ रहे हैं गिरते ऐसे? आ रहे हैं गिरते गिरते भी आज हम कुछ हैं तो ये हमारा माजी है तो मैं यही तो कहता हूँ कि सर अगर इतना गिरने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वेटेज रखते हैं सर अगर हम थोड़ा सा भी बेहतर हो जाए

हम नहीं, कोशिश नहीं, करेंगे सर ये आवाज़ पहुंचती रहे लोगों तक और ये, ये आप लोगों को भी बल्कि मैं बोलूँगा कि सर इस तरह की जो पॉडकास्ट हैं इनको शेयर करें ठीक है आप शेयर करें या ना करें यहाँ पे कोई फॉलोअर वाले लोग नहीं बैठे ना तो मैं फॉलोअर वाली रेस में हूँ ना इरफान भाई हैं लेकिन इस तरह का नॉलेज शेयर हम क्यों करते हैं आप लोगों के साथ क्यों मैं ऐसे गेस्ट को बुलाता हूँ मैं भी यहाँ पर चाहूँ तो लौरदा पवा अख्तर लवा बुला सकता हूँ लेकिन इसलिए कि सर एक पढ़ा लिखा बंदा अगर अपनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेगा तो ट्रस्ट में हम लोग दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे तो हमने पीछे नहीं रहना सर आज हम जिस जगह पर बैठें दो हज़ार है ये 2023 में अगर कोई बच्चा या कोई भी बड़ा ये कहता है कि हमारे पास अपॉरचुनिटीज़ नहीं है तो सिर्फ़ अफ़सोस करूंगा इस बात के ऊपर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें इरफान भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा जी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा टेल दैन अला हाफिज़